आप सभी को नमस्कार। मित्रों, यह आज का दिन हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज रविंद्र जयंती है। बांग्ला पंचांग के हिसाब से आज वैशाख का 25वां दिन, जिस दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म होता है। कई कई विधाओं में सिद्धहस्त लेखक, कलाकार और शिक्षाविद टैगोर को पूरी दुनिया जिस सम्मान की निगाह से देखती है, इससे हम सभी परिचित हैं। वे भारत की कई कई भाषाओं में, विश्व की कई कई भाषाओं में अनुदित हुए हैं। जब तब उन्होंने स्वयं कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के अनुवाद भी किए हैं। आज हम सभी के लिए यह बेहद प्रसन्नता का विषय है कि एक ऐसे रचनात्मक विस्फोट, रचनात्मक ऊर्जा के स्रोत पर बात करेंगे। एक ऐसे रचनात्मक व्यक्तित्व को सुनेंगे, उनकी रचनाओं से गुजरेंगे जिन्हें सदियां याद करती हैं। कई कई पीढ़ियों में वे समादृत हैं, वे गाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं। आज पश्चिम बंगाल हो, बांग्लादेश हो, इन सभी जगहों पर रविंद्र जयंती किस धूमधाम से मनाई जा रही है, हमें इसका भान है। तमाम बांग्ला भाषियों और देशवासियों के बीच रविंद्र जयंती को लेकर हर वर्ष जिस तरह का उत्साह रहता है, वह अपने आप में उल्लेखनीय है और टैगोर की प्रासंगिकता को सिद्ध करती है। एक ऐसा लेखक जो काल की सीमाओं को लांघ जाता है, जो दशकों में, सदियों में समान रूप से अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखता है, इतने भावों के साथ, इतनी विधाओं के साथ, साहित्य और साहित्येतर कई कई अनुशासनों में लगातार सक्रिय रहे टैगोर को सचमुच हम कभी भुला नहीं सकते। वे हमारे जीवन के, हमारी जीवन शैली के अभिन्न हिस्से हैं। आज इस अवसर पर मित्रों, हम लोग बांग्ला से हिंदी में अनुदित उनकी एक कहानी सुनेंगे, जिसका अनुवाद मिता दास जी ने किया है। उनकी कविताओं को भी सुनेंगे, जिसका अनुवाद सुलोचना वर्मा जी ने किया है। और एक बेहद खास निबंध टैगोर का लिखा हुआ सुनेंगे, जिसका अनुवाद उत्पल बनर्जी जी ने किया है। तो आइए, ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधे अपने वक्ताओं के पास चलते हैं। मिता दास जी, सुलोचना वर्मा जी, हार्दिक स्वागत, नमस्कार। रविंद्र जयंती का बहुत बहुत क्या कहना चाहिए, शुभकामनाएं कि हम हर वर्ष इसी तरह रविंद्र जी को याद करते रहें और अपने आप को रविंद्रमय करते रहें। जी बिल्कुल। और मित्रों, इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग सुलोचना वर्मा जी से करते हैं। इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ एक कविताओं का अनुवाद किया है बांग्ला से हिंदी में, और आज हम इनसे, इन दोनों ही भाषाओं में कविताओं को सुनेंगे। इस बाबत अनुवाद से जुड़ी हुई कुछ बातें भी सुलोचना जी से जानेंगे।
क्योंकि जब आप एक भाषा से दूसरी भाषा में काम कर रहे होते हैं तो मूल स्रोत के अधिक से अधिक निकट होने के लिए हर अनुवादक अपने हिसाब से कुछ टूल्स बनाता है। सुलोचना जी इसमें किस तरह से अपना काम करती हैं इसको भी जानेंगे। जी स्वागत सुलोचना जी। नमस्कार रविंद्र जयंती की जन सुलभ के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। मैं पहले कविता पाठ ले आती हूँ। आज की शाम के लिए मैंने रविन्द्रनाथ की 3 छड़ा कविताओं का चयन किया है और 2 मुक्त छंद कविताएं हैं। छड़ा वस्तुतः छड़ा के विषय में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन कुछ लोग इसे जो हमारे दैनंदिन जीवन में जो हम देखते हैं, जो हम आसपास महसूस करते हैं, उसको कम से कम शब्दों में छंदबद्ध या लयबद्ध या तुकबंद कर देने वाली कविताओं को कहते हैं। और यह वस्तुतः बंगाल में बच्चों और किशोर वर्ग के ये लिखी जा रही है और ऐसे संपादकों ऐसे संग्रहकर्ता हैं जो कि वर्षों से युगों युगों के छड़ा कविताओं का संग्रह और संचयन करते आ रहे हैं। तो पहले जैसा कि अर्पण जी ने कहा, मैं जो छोटी कविताएं हैं उनको बांग्ला हिंदी दोनों में उनका पाठ करूंगी, लेकिन जो बड़ी कविताएं हैं 2 बड़ी कविताएं हैं उनको मैं सीधे हिंदी में पाठ करूंगी ताकि समय थोड़ा बचे। पहली जो कविता है उसका है हाथ पाठ करती हूँ, फिर हिंदी में पाठ करूंगी। भीमरूले मऊमाछी थे होलो रेशा रेशी दूजनाय महतर को शक्तिकार बेशी ভীমরুল কহে আছে সহস্র প্রমাণ তোমার দংশন নহে আমারও সমান মধুকর নিরুত্তর ছল ছল আঁখি বনদেবী কহে তারে কানে কানে ডাকি কেন বাছা নতশির এ কথা নিশ্চিত বিষে তুমি হার মানো মধু তেজে জিত। अब इसका हिंदी। वाह हरजीत। ततैये मधुमक्खी के बीच हुई रस्सा कशी हुआ महातर्क दोनों में शक्ति ज्यादा किसकी ततैया कह रहा है सहस्र प्रमाण तुम्हारा दंश नहीं है मेरे समान मधुकर निरुत्तर छल छला उठी आंखें वन देवी कहती कानों में उसके धीरे क्यों बाबू नतशीर यह बात है निश्चित विष से तुम जाते हो हार और मधु से जीत। क्या बात है बहुत। और अगली अगली जो छड़ा कविता है उसका शीर्षक है उदार चरिता नाम। प्राचीरे छिद्रे एक नाम गोत्रहीन फुटिया छे छोटो फूल अतिशय दीन धिक धिक करे तारे कानूने सबाई सूर्य उठी बोले तारे भालो आछो भाई। हिंदी में भी इसका शीर्षक वही रहा उदार चरिता नाम। प्राचीर की छिद्र में एक नाम गोत्रहीन खिला है छोटा फूल अतिशय दीन धिक धिक करता है उसे कानन का हर कोई सूर्य उगकर उससे कहता कहो कैसे हो भाई। एक और छड़ा कविता जिसका शीर्षक है भक्ति और अति भक्ति। भक्ति आशे रिक्त हस्त प्रसन्न वदन अति भक्ति बोले देखि कि पाइले धन भक्ति कय মনে পাই না পারি দেখাতে অতি ভক্তি কয় আমি পাই হাতে হাতে ভক্তি হে আতি রিক্ত হস্ত প্রসন্ন বদন অতি ভক্তি কহে দেখুন কিতনা মিলতা হে ধন ভক্তি কহে মন মে হে নহি দিখানে কি অকাত অতি ভক্তি কহে মুঝে তো মিলতা হাথো হাত। তো ইয়ে ছড়া কবিতায় থি और इसके बाद कुछ तनिक लंबी कविताएं हैं। एक मैं उनका पाठ करना चाहूंगी और इसमें जो सबसे पहली कविता है उसका शीर्षक है मेघदूत और ये मैं सीधे हिंदी पे ही आती हूँ। जी जी स्वागत।
आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। जी कविवर, कब किस विस्मृत बरस में, किस पुण्य आषाढ़ के प्रथम दिवस में लिखा था तुमने मेघदूत, मेघ मंद्र श्लोक, विश्व में विरही है जितने, उन सबके शोक, रखा है अपना अंधेरा कई तहों में, सघन संगीत के मध्य में पूंजीभूत करके, उस दिन उज्जयिनी के उस प्रासाद शिखर पर, न जाने कैसी घनघटा विद्युत उत्सव, उद्दाम पवन वेग गुर गुर रव, गंभीर निर्घोष उस मेघ संघर्ष का, जगा उठा सहस्र वर्षों के अंतर्गूढ़ वाष्पाकुल विच्छेद क्रंदन को, एक दिन में तोड़ कर काल के बंधन को, उस दिन बह निकले थे अविरल चिरकाल से अवरुद्ध अश्रुजल, आद्र करते हुए तुम्हारी उदार श्लोक राशि, उस दिन क्या संसार के समस्त प्रवासी, जो रहस्य मेघ पथ पर शून्य की ओर उठा माथा, गाते थे समवेत स्वर में विरह की गाथा, लौट कर प्रिय के गृह बंधन विहीन, नव मेघ पंख पर कर आसीन, भेजना चाहा था प्रेम वार्ता, अश्रु वाष्प से भरा दूर वातायन में यथा, विरहन थी सोई भूतल शयन में, मुक्त केस में म्लान वेश में सजल नयन में, उन सबों का गीत तुम्हारे संगीत में, भेज दिया क्या कवि दिन में निशित में, देश देशांतर में ढूंढते हुए विरहनी प्रिया, श्रावण में जाह्नवी का जैसा हो जाता है प्रवाह, खींच लाती है दिग दिगंत से वारी धारा, महासमुद्र के मध्य होने के लिए दिशा हारा, पाषाण श्रृंखलाओं में जैसे है बंदी हिमाचल, आषाढ़ के अनंत शून्य में हेरता हूँ मेघतल, होकर कातर लेता श्वास स्वाधीन गगनचारी, सहस्र कंदराओं से लावाष्प राशि राशि भेजता है गगन की ओर, दौड़ते ही वे भागने की कामना करते हुए शिखर पर चढ़कर सब मिलकर अंत में हो जाते हैं एकाकार, समस्त गगन तल पर जमा लेते हैं अधिकार, उस दिन के बाद से बीते कई सौ दिन, प्रथम दिवस की स्निग्ध वर्षा नवीन, प्रत्येक वर्ष वर्षाते नवीन जीवन, तुम्हारे काव्य पर बरसाकर बरिशन, नववृष्टि वारी धारा करते हुए विस्तार, नव घन स्निग्ध छाया का करते हुए संचार, नव नव प्रतिध्वनि जलद मंद्र की, स्फीत कर स्रोत वेग तुम्हारे छंद की, वर्षा तरंगिनी के समान, कितने काल से कितने विरही लोगों ने प्रियतमा विहीन घरों में, वृष्टि क्लांत बहुदीर्घ लुप्त तारा शशि, आषाढ़ संध्या में क्षीण दीप लोक में बैठ, उस छंद का मंद मंद कर उच्चारण, निमग्न किया है निज विजन वेदना, उन सबका कंठ स्वर कानों में आता है मेरे, समुद्र के तरंगों की कल ध्वनि के समान, तुम्हारे काव्य के भीतर से, भारत की पूर्वी सीमा पर बैठा हूँ आज मैं, जिस श्यामल बंग देश में, जहाँ कवि जयदेव ने वर्षा के एक दिन देखी थी दिगंत के तमाल विपिन में, श्यामल छाया मेघों से पूर्ण मेंदूर अंबर, आज अंधकार दिवा वृष्टि झरझर पवन दुरंत अति अपने आक्रमण में, अरण्य बाहे उठा कर रही है हाहाकार, विद्युत झांक रही है चीर कर मेघ भार, बरस कर शून्य में सुतीक्ष्ण वक्र मुस्कान के साथ, अंधेरे बंद गृह में बैठकर अकेला पढ़ रहा हूँ मेघदूत, मेरा गृह त्यागी मन मुक्त गति मेघों की पीठ पर जमाकर आसन, उड़ रहा है देश देशांतर में, है कहाँ शानुमान आम्रकूट, बहती है कहाँ विमल विशीर्ण रेवा विंध्य पदमूल में, शिलाओं से वाधित है जिसकी गति, वेत्रवती के तीर पर पके फलों से श्याम दिखने वाले जम्बू वन की छाया में, कहाँ छिपा हुआ है दशार्ण ग्राम, खिली हुई केतकी के बारे से घिरा पत्तरु शाख पर, जहाँ ग्राम विहंगों ने बनाए हैं अपने वर्षा कालीन नीर, कलरव से पूर्ण वनस्पति न जाने किस नदी के तीर पर, वह जूही वन में विहार करने वाली वनांगना लौट रही है, तप्त कपोल के ताप से क्लांत कर्णोत्पल, मेघ की छाया लगवा हो रही है विकल, भ्रू विलास नहीं सीखा कौन है वे नारियां, जनपद की वधुएं गगन में निहारती घनघटा ऊर्ध्व नेत्र से देखती है मेघ पथ की ओर, घन नील छाया पड़ती है सुनील नयनों में,
मेघों से श्याम वह कौन सा है शैल जिसकी शिला पर मुग्ध स्निधांगना स्निग्ध नव घन को देख हुई थी अनमना। शिला के नीचे सहसा भयानक झंझा के आते ही चकित चकित हो भय से कांपती थर थर। वसन संभाल ढूंढती फिरती गुहाश्रय कहती है ओ माँ लगता है गिरिशृंग उड़ा कर ले जाएगी। कहाँ है अवंतीपुरी निर्विंध्य तटिनी कहाँ उज्जैनी ढूंढती शिप्रा के जल में स्वयं हिम छाया जहाँ द्विप्रहर में प्रणय चंचलता भूल भवन के शिखर में सुप्त कपोत है केवल विरह विकार में। रमणी निकलती है बाहर प्रेम अभिशार के लिए सूची भेद्य अंधकार में राजपथ के मध्य कदाचित विद्युत लोक में कहाँ विराजता है। ब्रह्मावर्त में कुरुक्षेत्र कहाँ है कनखल जहाँ वह चंचल यौवना जहु कन्या गौरी की भ्रुकुटि भंगिमा की कर अवहेलना छोड़कर झाक कर रही है परिहास पकड़कर धुर्जति की जटा भालचंद्र स्पर्शी तरंग रूपी हाथों से। इस प्रकार मेघ रूप में कई देशों से होकर हृदय तैरता जाता है उत्तरीय के अंत में कामनाओं का मोक्ष धाम अलका के मध्य। विरहनी प्रियतमा विराजती है जहाँ होती है सौंदर्य की आदि सृष्टि कौन ले जा सकता था वहां तुम्हें छोड़ बिना खर्च के। लक्ष्मी की विलासपुरी अमर भुवन में अनंत वसंत में जहाँ नित्य पुष्पवन में नित्य चंद्र लोक में इंद्रनील पर्वत के मूल में स्वर्ण सरोज खिलकर सरोवर कुल में मणि महल के असीम संपदा में हो निमग्न रो रहे हैं एकाकीपन की विरह वेदना पर। खुले वातायन से उन्हें देखा जा सकता शैया प्रांत में लीन कमनीय क्षीण शशि रेखा पूर्व गगन के मूल में लगभग अस्त प्राय। कवि तुम्हारे मंत्र से आज मुक्त हो जाता है रुद्ध हो चुकी है इस हृदय के बंधन की व्यथा पाया है विरह का स्वर्ग लोक जहां चिरनिशी जाप रही है विरहनी प्रिया जागकर अकेले अनंत सौंदर्य के साथ फिर खो जाता है। ढूंढता हूँ चहुओर वृष्टि होती है अविरल छा जाता है अंधियारा आई है निर्जन निशा प्रांत के अंत में रोता हुआ चला जा रहा है वायु बिना किसी उद्देश्य के। सोच रहा हूँ आधी रात है अनिंद्र ज्ञान किसने दिया ऐसा श्राप काहे का व्यवधान। क्यों ऊर्ध्व में देख रोता रुद्ध मनोरथ क्यों प्रेम को नहीं मिल पाता निज पथ। सशरीर कौन नर गया है वहां मानस सरसी तट पर विरह निद्रित रविहीन मणिदीप्त सांझ के देश में जगत की नदी गिरी सभी के शेष में। अगली कविता का शीर्षक क्या बात बढ़िया अफ्रीका अफ्रीका कविता में कवि लिखते हैं अफ्रीका कविता में कवि लिखते हैं उद्भ्रांत उस आदिम युग में जब सृष्टा ने स्वयं से होकर असंतुष्ट किया था विध्वस्त नूतन सृष्टि को बारंबार अधैर्य होकर बार बार अपना सर हिलाने के उन दिनों में रुद्र समुद्र के बाहु प्राची धरित्री के सीने से छीन कर ले गए थे तुम्हें अफ्रीका बांधा तुम्हें वनस्पतियों के निविड़ पहरे में कृपण आलोक के अंतःपुर में वहां तुमने निभृत अवकाश पर किया संग्रह दुर्गम के रहस्यों को पहचान रहे थे तुम जल स्थल और आकाश के दुर्बोध संकेतों को प्रकृति का दृष्टि अतीत जादू जगा रहा था मंत्र तुम्हारी चेतनातीत मन में विद्रूप कर रहा था भीषण को विरूप के छद्म वेश में चाह रहा था शंका से हार मनवा लेना स्वयं को कर उग्र विभीषिका की प्रचंड महिमा में तांडव के दुंदुभि नाद में। हाय छाया वृता काले घूंघट के पीछे अब परिचित था तुम्हारा मानव रूप उपेक्षा की आबिल दृष्टि में वे आए लोहे की हथकड़ी लेकर जिनके नाखून भेड़ियों से भी है तेज आए लोगों को गिरफ्तार करने वाले दल गर्व से जो है अंधे तुम्हारी रोशनी वाले अरण्य से अधिक सभ्यों के बर्बर लोह ने नग्न की अपनी निर्लज अमानवीयता तुम्हारी भाषाहीन क्रंदन के वाष्पाकुल अरण्य पथ पर पंखिल हुई धूल तुम्हारे रक्त और अश्रु में मिल बड़े पांव वाले कटीले जूतों के नीचे विभत्स कीचर पिंड चिरचिन्ह लगा गए तुम्हारे अपमानित इतिहास में। समुद्र तट पर उसी मुहूर्त उनके हर मोहल्ले के गिरजाघरों में बज रहा था प्रार्थना का घड़ियाल सुबह शाम दयामय देवता के नाम पर
शिशु खेल रहे थे माँ की गोद में, कवि के संगीत से गुंजायमान थी सुंदरता की आराधना। आज जब पश्चिम दिगंत में प्रदोष काल के झंझावता से है रुद्ध श्वास, जब बाहर निकल आए पशु गुप्त गुफा से, अशुभ ध्वनि के साथ करता है घोषणा दिन का अंतिम काल, आओ युगांतकारी कवियों, आसन्न संध्या की शेष रश्मि पात में खड़े हो जाओ, उस सम्मान खो चुकी मानवी के द्वार पर कहो क्षमा कीजिए, हिंस प्रलाप के मध्य बस वही हो तुम्हारी सभ्यता की शेष पुण्यवाणी। वाह वाह, बहुत ही धारा प्रवाह भूला, अच्छा लगा। शुक्रिया, 5 कविताएं हो बिल्कुल गई। जी, कुछ एक कविताएं और भी हैं जी जिसे पढ़ आप लेती हूँ रख फिर। सकती हैं, है ना जी। जी जीवन जब सूख जाए, हाँ, ये कविता, ये जो कविता है जीवन जब सूख जाए, यह कविता महात्मा गांधी कभी मौन व्रत में थे और उनके अनुरोध पे ये कवि गुरु ने लिखा था। जीवन जब सूख जाए, जीवन जब सूख जाए करुणा धारा में आना, समस्त माधुरी छुप जाए गीत सुधा रस में आना, कर्म ले जब प्रबल आकार गरज उठे ढाक से दिशाचार, हृदय प्रांत में हे नीरव नाथ शांत चरण से आना, स्वयं को जब बना कृपण कोने में रहे पड़ा दीन हीन मन, द्वार खोल हे उदार नाथ राज समारोह में आना, इच्छा मिले जब विपुल धूल में कर अंधा अबोध भूल में, हे पवित्र हे अनिद्र रुद्र आलोक में आना। क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक अंतिम कविता पढ़ूंगी, मेरा सिर नत कर दो हे देव तुम्हारे, मेरा सिर नत कर दो हे देव तुम्हारे चरण धूल के तल में, अहंकार सब हे देव मेरे डुबा दो आंखों के जल में, करने को अपना गौरव दान किया अपना केवल अपमान, स्वयं को केवल घुमा घुमा कर चकरा कर मारता हूँ पल पल में, अहंकार सब हे देव मेरे डुबा दो आंखों के जल में, स्वयं का कहीं न करूं प्रचार मेरे अपने काम में, अपनी ही इच्छा करो हे देव पूर्ण मेरे जीवन धाम में, मांगता हूँ तुम्हारी चरम शांति प्राणों में तुम्हारी परम क्रांति, मुझे छुपा कर रख लो अपने हृदय कमल के दल में, अहंकार सब हे देव मेरे डुबा दो आंखों के जल में। बहुत बहुत खूब। किस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर एक एक भाव को लेकर कितने सजग हैं और कितने विनम्र हैं, यह जो अहंकार की बात है, यह आज हम सभी के बीच अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से परिव्याप्त है, इसे हम समझ सकते हैं। और इस एकमात्र भाव के कारण कितनी तरह की कठिनाइयां आ जाती हैं, कितनी दूरियां आ जाती हैं, कितना अबोलापन पसर जाता है, इसे भी हम जानते हैं। अहंकार सब हे देव मेरे डुबो दो आंखों के जल। बहुत सुंदर सुलोचना जी, शुक्रिया। आपके माध्यम से हम लोग इन कविताओं के साथ सहज ही बह सके, सहज ही अपने आप को एकीकृत कर सके। मित्रों, अब हम लोग मीता दास जी की ओर बढ़ते हैं। आज रविंद्र जयंती पर हमारी ओर से यही कोशिश है कि उनकी 3 विधाओं को यहाँ पर शामिल किया जाए। अभी हमने कविताएं सुनी, अब उनकी एक कहानी सुनते हैं मीता दास जी से, और बाद में उनका एक निबंध भी सुनेंगे। जी स्वागत मीता दास जी। नमस्कार सभी को। रविंद्रनाथ जी के बारे में बोलना बहुत ही मुश्किल काम है। सबसे पहले तो हम उसे गीतकार माने, कथाकार माने, या कवि माने, या संगीतकार माने, या कहानीकार उपन्यासकार तो है ही, साथ में भी चित्रकार भी थे। अभी इसने सुलोचना ने एक कविता का पाठ किया,
जिसको उन्होंने खुद ही सुर दिया और खुद ही उसको संगीतबद्ध करके उसको गीत में रचा। हम इतना जानते हैं, बंगला भाषी भाषी तो ही जानते ही हैं, बाकी लोग जो भी आज रविंद्रनाथ को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, हम लोग की वो शरण स्थली है। चाहे हम दुख में हैं, चाहे सुख में हैं, चाहे भक्ति में हैं, कहीं पे भी हैं या प्रकृति के करीब हैं, तो हमें रविंद्रनाथ ही याद आते हैं। उनके गीत, उनकी रचनाएं हमारे कानों में गूंजती रहती है। तो मैं एक कहानी जो मैंने अनुदित की थी उसको मैं पढ़ रही हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी है स्त्री का पत्र, स्त्री पत्र। शुरू करो जी। स्वागत जी। श्री चरण कमलेशु, आज हमारे विवाह को 15 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक मैंने तुमको कभी कोई चिट्ठी नहीं लिखी। सदा तुम्हारे पास ही रही, न जाने कितनी बकबक करती व सुनती रही, पर चिट्ठी लिखने का अवसर और तुमसे कभी दूर भी कभी नहीं हुई, तो लिखा भी नहीं गया। आज मैं श्री क्षेत्र के तीर्थ क्षेत्र में तीर्थ करने आई हूँ। तुम अपने ऑफिस के काम में व्यस्त हो, कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही संबंध है जैसे घूंघे के साथ शंख का होता है। वह तुम्हारे तन मन से चिपक गया है, इसलिए तुमने ऑफिस से छुट्टी की अर्जी नहीं दी। विधाता की यही इच्छा थी, उन्होंने मेरी छुट्टी की अर्जी मंजूर कर ली। तुम्हारे घर की मंझली बहू हूँ, पर आज 15 वर्ष के बाद इस समंदर के किनारे खड़े होकर मैं जान पाई हूँ कि अपने जगत और जगदीश्वर के साथ मेरा एक संबंध और भी है। इसलिए आज साहस कर यह चिट्ठी लिख रही हूँ। यह तुम्हारे घर की मझली बहू की चिट्ठी नहीं। तुम लोगों के साथ मेरे संबंध की बात जिन्होंने मेरे भाग्य में लिखी थी, उन्होंने उन्हें छोड़कर जब इस संभावना का और किसी को पता न था, उसी शैशव काल में मैं और मेरा भाई एक साथ ही सन्निपात के ज्वर से पीड़ित हुए थे। भाई तो मारा गया, पर मैं बची रही। मोहल्ले की औरतें कहने लगी, मृणाल लड़की है ना, इसलिए बच गई। लड़का होती तो क्या भला बच सकती थी। चोरी करने की विद्या में यमराज पक्के हैं, उन्हें कीमती चीजों का लोभ है। मेरे भाग में मौत नहीं है। यही बात अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं यह चिट्ठी लिखने बैठी हूं। जिस दिन दूर के रिश्ते में तुम्हारे मामा तुम्हारे मित्र नीरद के साथ को साथ लेकर कन्या देखने आए थे, तब मेरी आयु 12 वर्ष की थी। दुर्गम गांव में मेरा घर था, जहां दिन में भी सियार बोलते रहते। स्टेशन से 7 कोस तक छकड़ा गाड़ी में चलने के बाद बाकी 3 मील का कच्चा रास्ता पालकी में बैठकर पार करने के बाद हमारे गांव पहुंचा जा सकता था। उस दिन तुम लोगों को कितनी हैरानी हुई थी जिस पर हमारे पूर्वी बंगाल का भोजन मामा उस भोजन की हंसी उड़ाना आज भी नहीं भूले। तुम्हारी माँ की एक जिद भी थी कि बड़ी बहू के रूप की कमी को मझली बहू के द्वारा पूरी करे, नहीं तो भला इतना कष्ट कर तुम लोग हमारे गांव क्यों आते। पीलिया यकृत उदरशूल और दुल्हन के लिए बंगाल प्रांत में खोज नहीं करनी पड़ती, वे स्वयं ही आकर घेर लेते हैं, छुड़ाए नहीं छूटते। पिता की छाती धक धक कर रही थी, माँ दुर्गा का नाम जपने लगी। शहर के देवता को गांव का पुजारी क्या देखकर संतुष्ट करे। बेटी के रूप का भरोसा था, इसलिए स्वयं बेटी में उस रूप का कोई मूल्य नहीं था। देखने आया हुआ व्यक्ति जिसका जो मूल्य दे वही उसका मूल्य है, इसलिए तो 1000 रूप गुण होने पर भी लड़कियों का संकोच किसी भी तरह दूर नहीं होता। सारे घर का यानी सारे मोहल्ले का यह आतंक मेरी छाती पर पत्थर की तरह जमकर बैठ गया। आकाश का सारा उजाला और संसार का समस्त शक्ति उस दिन मानो उस 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की को 2 परीक्षकों की 2 जोड़ी आंखों के सामने कसकर पकड़ कर रखने के लिए प्यादों की भूमिका निभा रहे थे।
मुझे कहीं छिपने की जगह ही नहीं मिली। संपूर्ण आकाश को रुलाती हुई शहनाई बज उठी, मैं तुम लोगों के यहाँ आ पहुंची। मेरे सारे ऐबों का हिसाब लगाकर गृहिणियों को यह स्वीकार करना पड़ा कि सब कुछ होते हुए भी मैं सुंदर जरूर हूं। यह बात सुनते ही मेरी बड़ी जेठानी का चेहरा फूल फूल गया। लेकिन सोचती हूँ, मुझे रूप की जरूरत ही क्या थी। रूप नामक वस्तु को अगर किसी त्रिपुंडी पंडित ने गंगा मिट्टी से गढ़ा होता तो उसका आदर होता, लेकिन इसे तो विधाता ने केवल अपने आनंद से निर्मित किया है। इसलिए तुम्हारे धर्म के संसार में इसका कोई मूल्य नहीं। मैं रूपवती हूँ, इस बात को भूलने में तुम्हें बहुत दिन नहीं लगे, लेकिन मुझे मुझमें बुद्धि भी है। यह बात तुम लोगों को पग पग पर याद करनी पड़ी। मेरी यह बुद्धि इतनी स्वाभाविक सी है कि तुम लोगों की ग्रह गृहस्थी में इतना समय काट देने पर भी आज भी टिकी हुई है। मेरी इसी बुद्धि के कारण माँ बड़ी चिंतित रहती थी। नारी के लिए यह एक बला ही है, बाधाओं को मानकर चलना। जिसका काम है वह यदि बुद्धि को मानकर चलना चाहे तो ठोकर खाकर उसका सिर ही फूटेगा। लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तुम लोगों के घर की बहू को जितनी बुद्धि की जरूरत है, विधाता ने अनजाने में मुझसे उससे ज्यादा बुद्धि दे दी। अब मैं उसे लौटाऊं भी तो किसको? तुम लोग मुझे फूहड़ लड़की कहकर दिन रात गाली देते रहे। अक्षम्य वो कड़ी बात कहने से ही सांत्वना मिलती है, इसलिए मैं यह सब बातों के लिए सबको क्षमा कर दिया। मेरी एक बात तुम्हारी घर गृहस्थी के बाहर थी, जिसमें तुम में से कोई नहीं जानता। मैं तुम सबसे छिपा कर कविता लिखा करती थी। वह भले ही कूड़ा करकट क्यों ना हो, उस पर तुम्हारे अंतःपुर की दीवार ना उठ सकी। वही मेरी मुक्ति थी, वही मैं, केवल मैं थी। मेरे भीतर तुम लोगों की मझली बहू के अतिरिक्त और भी कुछ था। इससे तुम लोगों को कभी उसे तुम लोगों ने कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि उसे तुम लोग पहचान ही ना पाए। मैं कवि हूं, यह बात 15 वर्ष में भी तुम लोगों की पकड़ में नहीं आई। तुम लोगों के घर की प्रथम स्मृतियों में मेरे मन में जो सबसे ज्यादा जगती है वह है तुम लोगों की गौशाला। अंतापुर को जाने वाले जीने की बगल के कोठे में तुम लोगों की गौवें रहती हैं। सामने के आंगन को छोड़कर उनके हिलने डुलने के लिए और कोई जगह न थी। आंगन के कोने में गायों को भूसा देने के लिए काठ की नाद थी। सवेरे नौकर को तरह तरह के काम रहते, इसलिए भूखी गाय नाद के किनारे को चाट चाट कर चबा चबा कर खुरच देती। मेरा मन रोने लगता। मैं गवई गांव की बेटी जिस दिन पहली बार तुम्हारे घर आई, उस बड़े शहर के बीच मुझे वे दो गायें और तीन बछड़े बहुत ही परिचित आत्मीय जैसे जान पड़े। जितने दिन मैं नई बहू रही, खुद ना खाकर छिपा छिपा कर मैं उन्हें खिलाती। जब बड़ी हुई तब गौओं के प्रति मेरी प्रत्यक्ष ममता देखकर मेरे साथ हंसी मजाक का संबंध रखने वाले लोग मेरे गोत्र के बारे में संदेह करने लगे। मेरी बेटी जन्म लेते ही मर गई। जाते समय उसने साथ चलने के लिए मुझे भी पुकारा था। अगर वह जिंदा रहती तो जीवन में जो कुछ बड़ा है, जो कुछ सत्य है, वह सब कुछ मुझे ला देती। तब मैं मझली बहू से एकदम माँ बन जाती। गृहस्थी से बंधे रहने पर भी माँ विश्व भर की माँ होती है, पर मुझे माँ होने की वेदना ही मिली। माँ होने से जो मुक्ति है वह मुक्ति प्राप्त ही नहीं हुई। मुझे याद है अंग्रेज डॉक्टर को हमारे घर की भीतरी भाग देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था। यह प्रसूति घर देखकर नाराज होकर उसने डांट फटकार भी लगाई थी। सदर में तो तुम लोगों का छोटा सा बाग है, कमरे में भी साज श्रृंगार की कोई कमी नहीं, पर भीतर का भाग मानो पश्मीने के काम की उल्टी परत है। जहां ना कोई लज्जा है,
ना सौंदर्य ना सिंगार, उजाला वहां टिमटिमाता रहता है। हवा चोर की भांति प्रवेश करती है, आंगन का कूड़ा करकट हटने का नाम नहीं लेता। फर्श और दीवार पर काली माँ अक्षय बनकर विराजती है, लेकिन डॉक्टर ने एक भूल की थी। उसने सोचा था कि शायद इससे हमको दरार दिन का दुख होता होगा, इस बात दुख होता होगा, बात पर बिल्कुल उल्टी है। अनादर नाम की चीज राह की तरह होती है, वह शायद भीतर ही भीतर आपको बनाए रखती है, लेकिन ऊपर से उसके ताक को प्रकट नहीं होने देती। जब आत्मसम्मान घट जाता है, तब अनादर में अन्याय और अन्याय भी नहीं समझ में आता, इसलिए उसकी वेदना भी नहीं। इसलिए नारी दुख का अनुभव करते ही लज्जा से भर जाती है। इसलिए मैं कहती हूं, अगर तुम लोगों की व्यवस्था यही है कि नारी को दुख पाना ही होगा, तो फिर जहां तक संभव हो उसे अनादर में ही रखना ठीक है। आदर से दुख की व्यथा और बढ़ जाती है। तुम चाहे जैसे रखते हो, मुझे दुख है इस बात का। कभी मेरे ख्याल में भी न आई कि प्रसूति गृह में जब सिर पर मौत आ लगी, मन में डर जगा ही नहीं। हमारा जीवन ही क्या जो मौत से डरना पड़े। जिनके प्राणों का आदर और यत्न से कसकर बांध लिया गया हो, मरने में उन्हीं को कष्ट होता है। उस दिन अगर यमराज मुझे घसीटने लगते, तो मैं उसी तरह उखड़ जाती जिस तरह जमीन से घास बड़ी आसानी से जड़ समेत उखड़ जाती है। बंगाल की बेटी तो बात बात में मरना चाहती है, लेकिन इस मरने में कौन सी बहादुरी है। हम लोगों के लिए मरना इतना आसान है कि मरने पे भी लज्जा नहीं आती। मेरी बेटी संध्या तारा की तरह क्षण भर के लिए उदित होकर अस्त हो गई। मैं फिर से अपने दैनिक कामों में और गाय बछड़ों में लग गई। इसी तरह मेरा जीवन आखिर जैसे तैसे कट जाता। आज तुम्हें यह चिट्ठी लिखने की जरूरत न आन पड़ती, लेकिन कभी कभी हवा एक मामूली सा बीज उड़ा कर ले आती है और पक्के दालान में पीपल का अंकुर फूट उठता है, और होते होते उसी से लकड़ी पत्थर की छाती विदीर्ण होने लग जाती है। मेरी गृहस्थी की पक्की व्यवस्था में भी जीवन का एक छोटा सा कण न जाने कहां से उड़कर आ गिरा, तभी से दरार शुरू हो गई। जब विधवा माँ की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जेठानी की बहन बिंदु ने अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार से तंग आकर एक दिन हमारे घर अपनी दादी के पास आश्रय लिया, दीदी के पास आश्रय लिया, तब तुम लोगों ने सोचा यह कहां की बला अटक, आग लगे मेरे स्वभाव को करती भी क्या। देखा तुम लोग बस मन ही मन खींच रहे थे, इसलिए उस निराश्रिता लड़की को घेर कर मेरा संपूर्ण मन एकाएक जैसे कमर बांध कर खड़ा हो गया। पराए घर में पराए लोगों की अनिच्छा होते हुए भी आश्रय लेना कितना बड़ा अपमान होता है। यह अपमान भी जिसे विवश कर स्वीकारना पड़ा हो, क्या उसे एक कोने में ढकेल दिया जा सकता है भला। बाद में मैंने भी अपनी जेठानी की दशा देखी। उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के कारण ही बहन को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें पति की इच्छा नहीं है, तो उन्होंने ऐसा भाव दिखाना शुरू किया मानो उन पर कोई बड़ी बला आ पड़ी है, मानो अगर वह किसी तरह दूर हो सके तो उनकी जान बचे। उनमें इतना साहस न हुआ कि वे अपने अनाथ बहन के प्रति खुले मन से स्नेह प्रकट कर सके। वे पतिव्रता थी। उनकी दशा देखकर मेरा मन और भी व्यथित हो उठा। मैंने देखा बड़ी जिठानी ने खास तौर पर सबको दिखा दिखा कर बिंदु के खाने पहनने की ऐसी बेकार व्यवस्था की ओर उसे घर में एक तरह से नौकरानियों की तरह ही सारे काम सौंप दिए। मुझे दुख ही नहीं लज्जा भी आई। वे सबके सामने इस बात को प्रमाणित करने में लगी रहती कि हमारी गृहस्थी को बिंदु बहुत सस्ते दामों में मिल गई है। ढेरों काम करती
फिर भी खर्च का हिसाब खर्च के हिसाब से बेहद सस्ती है। बड़ी बड़ी मेरी बड़ी जेठानी के पितृ वंश में कुल के अलावा और कोई बड़ी चीज न थी, न रूप था न धन। जिस तरह मेरे ससुर के पैरों पड़ने पर तुम लोगों के घर में उनका ब्याह हुआ था, यह बात तुम अच्छी तरह जानते हो। वे सदा यही सोचती रही कि उनका विवाह तुम्हारे वंश में वंश के प्रति बड़ा भारी अपराध था, इसलिए वे सब बातों में अपने आप को भरसक दूर रखती, अपने को छोटा मानकर तुम्हारे घर में बहुत ही थोड़ी सी जगह में सिमट कर रहे। लेकिन उनके इस अच्छी बने रहने के कारण हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती। मैं अपने आप को हर तरफ से इतना छोटा नहीं बना पाती मैं जिस बात को अच्छा समझती हूँ उसे किसी और की खातिर बुरा समझने को मैं उचित नहीं मानती। इस बात से तुम्हें भी बहुत से प्रमाण मिल चुके हैं। बिंदु को मैं अपने कमरे में घसीट लाई। जीजी कहने लगी, मजली बहू, गरीब घर की बेटी का दिमाग खराब कर डालोगी। वे सबसे मेरी इस ढंग से शिकायत करती फिरती मानो मैंने कोई बड़ी भारी आफत ढा दी हो। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूं वे मन ही मन सोचती थी कि उसकी जान बची। अब अपराध का बोझ मेरे सिर पर पड़ने लगा। वे अपनी बहन के प्रति खुद जो उसने नहीं दिखा पाती थी वही मेरे द्वारा प्रकट करके उनका मन हल्का हो जाता। मेरी बड़ी जेठानी बिंदु की उम्र में से दो एक अंक कम कर देने की चेष्टा किया करती थी, लेकिन अगर छुपाकर यह कहा जाता कि उसकी उम्र 14 से कम है तो ज्यादती न होगी। तुम्ही ने तो माल एज इधर उधर हो गई, एक मिनट, पेज इधर उधर। कोई बात नहीं, तुम्हें तो मालूम है देखने में वह इतनी कुरूप थी कि अगर वह फर्श पर गिरकर अपना सिर फोड़ लेती तो भी लोगों को घर के फर्श की ही चिंता होती। अच्छा अच्छा देखने में कारण इतनी... है हाँ। यही कारण है कि माता पिता के ना होने पर ऐसा कोई न था जो उसके विवाह की सोचता, और ऐसे लोग भी भला कितने थे, कितनों के मन में इतना बल है जो उससे ब्याह कर सके। जी जी आगे का हिस्सा आपको मिल रहा है। जी जी शुक्रिया अर्पण जी। बिंदु बहुत डरती डरती मेरे पास आई, मानो अगर मेरी मेरी देह उससे छू जाएगी तो मैं सह नहीं पाऊंगी, मानो इस विश्व में उसको जन्म देने वाली कोई शर्त ही नहीं थी। इसलिए वह हमेशा अलग हटकर आंख बचाकर चलती। उसके पिता के यहाँ, उसके चचेरे भाई उसके लिए ऐसा एक भी कोना नहीं छोड़ना चाहते थे जिसमें वह फालतू चीज की तरह पड़ी रह सके। फालतू कूड़े को घर के आसपास अनायास ही स्थान मिल जाता है क्योंकि वह मनुष्य को भूल जाता है। लेकिन अनावश्यक लड़की एक तो अनावश्यक होती है, दूसरी उसको भूलना भी कठिन होता है, इसलिए उससे उसके लिए घूरे पर भी जगह नहीं होती। फिर भी यह कैसे कहा जा सकता है कि उसके चचेरे भाई ही संसार में परम आवश्यक पदार्थ थे। जो हो, वे लोग खूब मस्त थे। यही कारण है कि मैं जब बिंदु को अपने कमरे में बुला लाई तो उसकी छाती धक धक करने लग गई। उसका डर देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे कमरे में उसके लिए थोड़ी सी जगह है, यह बात मैंने बड़े प्यार से उसे समझा दी। लेकिन मेरा कमरा एक मेरा ही कमरा तो न था, इसलिए मेरा काम आसान नहीं हुआ। मेरे पास दो चार दिन रहने के लिए ही उसके शरीर में न जाने लाल लाल क्या निकल आया, शायद घमोरी रही होगी, ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन लेकिन तुमने कहा शीतला, क्यों ना हो, वह बिंदु थी ना, तुम्हारे मोहल्ले
कि एक अनाड़ी डॉक्टर ने आकर बताया, दो एक दिन और देखे बिना ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दो एक दिन तक धीरज किसको होता। बिंदु तो अपनी बीमारी की लज्जा से ही मरी जा रही थी। मैंने कहा, शीतला है तो है, मैं उसे अपनी प्रसूति गृह में ले जाऊंगी और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। इस बात पर जब तुम सब लोग मेरे ऊपर भड़क कर क्रोध की मूर्ति बन गए, यही नहीं, जब बिंदु की जीजी भी बड़ी परेशानी दिखाती हुई उस अभागी लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी, तभी उसके शरीर के वे सारे लाल लाल दाग एकदम विलीन हो गए। मैंने देखा कि इस बात पर तुम लोग और भी व्यग्र हो उठे। कहने लगे, अब तो वाकई शीतला बैठ गई है, क्यों ना हो, वह बिंदु थी ना। अनादर के पालन पोषण में एक गुण है, शरीर को वह एकदम अजर अमर कर देता है। बीमारी आने का नाम नहीं लेती, मरने के सारे आम रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इसलिए रोग उसके साथ मजाक करके चला गया, कुछ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि संसार में ज्यादा साधनहीन व्यक्ति को आश्रय देना ही सबसे कठिन है। आश्रय की आवश्यकता जिसको जितनी अधिक होती है, आश्रय की बाधाएं भी उसके लिए उतनी ही विषम होती हैं। बिंदु के मन से जब मेरा डर जाता रहा, तब उसको एक और ग्रह ने पकड़ लिया। मुझे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर होने लगा। प्यार की ऐसी मूर्ति तो संसार में मैंने पहले कभी नहीं देखी। पुस्तकों में पढ़ा अवश्य था, पर वह भी स्त्री पुरुष के बीच ही। बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, मुझे अपने रूप की बात याद आती। जब इतने दिनों बाद वह कुरूप लड़की मेरे उसी रूप के पीछे पड़ गई, रात दिन मेरा मुंह देखते रहने पर भी उसकी आंखों की प्यास नहीं बुझती। कहती, दीदी तुम्हारा यह मुखड़ा मेरे अलावा और कोई नहीं देख पाता। जिस दिन मैं स्वयं ही अपने केश बांध लेती, उस दिन वह बहुत रूठ जाती। अपने हाथों से मेरे केश भार को हिलाने डुलाने में उसे बड़ा आनंद आता। कभी कहीं दावत में जाने के अतिरिक्त और कभी मुझे साज श्रृंगार की आवश्यकता पड़ती ही नहीं थी, लेकिन बिंदु मुझे तंग कर करके रोज बहुत सजाती रहती थी। वह लड़की मुझे लेकर बिल्कुल पागल सी हो गई थी। तुम्हारे घर के भीतरी हिस्से में कहीं रत्ती भर भी मिट्टी न थी। उत्तर की ओर भी दीवार में नाली के किनारे न जाने कैसे एक गूलर का पौधा निकल आया। जिस दिन मुझे दिखता कि उस गूलर के पौधे में नई लाल लाल पुपले निकल आई हैं, उसी दिन समझ जाती कि धरती पर बसंत आ गया है। और जिस दिन मेरी घर गृहस्थी में जुटी हुई इस अनादृत लड़की के मन का ओर छोर किसी तरह तरंग उठा, उस दिन मैंने जाना कि हृदय जगत में भी वसंत की हवा बहती है। वह स्वर्ग से आती है, गली के किसी मोड़ से नहीं। बिंदु के स्नेह के दुस्सह वेग ने मुझे अधीर कर डाला। मैं मानती हूं कि मुझे कभी कभी उस पर क्रोध आ जाता, लेकिन उस स्नेह में मैंने अपना एक रूप देखा जो जीवन में मैंने पहले कभी नहीं देखा। वही मेरा मुक्त रूप था। इधर मैं बिंदु जैसी लड़की को इतना लाड़ प्यार करती थी, यह बात तुम लोगों को नहीं सुहाती थी। उसे लेकर बराबर खटपट होने लगी। जिस दिन मेरे कमरे से बाजूबंद चोरी हुआ, उस दिन इस बात का आभास देते हुए तुम लोगों को तनिक भी लज्जा नहीं आई। इस चोरी में किसी न किसी रूप से बिंदु का ही हाथ है। जब स्वदेशी आंदोलनों में लोगों के घर की तलाशियां होने लगी, तब तुम लोगों को अनायास ही यह संदेह कर बैठे कि बिंदु पुलिस द्वारा रखी हुई स्त्री गुप्तचर है। इसका तो और कोई प्रमाण न था, प्रमाण बस इतना ही काफी था कि वह बिंदु थी। तुम लोगों के घर की दासियां उनका कोई भी काम करने से इनकार कर देती थी। उनमें से किसी से भी अपने काम के लिए कहने में वह लड़की भी संकोच के मारे जड़वत हो जाती थी।
उन्होंने उन्हीं सब कारणों से उसके लिए मेरा खर्च बढ़ गया। मैंने खास तौर पर अलग से एक दासी रख ली। यह बात तुम लोगों को अच्छी नहीं लगी। बिंदु को पहनने के लिए मैं जो कपड़ा देती थी उसे देकर तुम इतने क्रोधित हुए कि तुमने मेरा हाथ खर्च ही देना बंद कर दिया। दूसरे ही दिन से मैंने 5 सिक्के में एक जोड़ी मोटी कोरी धोती कोरी मिल की धोती पहननी शुरू कर दी। और जब मोती की माँ मेरी झूठी थाली उठाने के लिए आई तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने खुद झूठा भात बछड़े को खिलाने के लिए आंगन के नल के पास जाकर बर्तन भी माज लिए। एकाएक एक दृश्य देखकर तुम प्रसन्न नहीं हुए। मेरी खुशी के बिना तो काम चल सकता है पर तुम लोगों की खुशी के बिना नहीं चल सकता। इस बात को आज यह बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। इधर ज्यों ज्यों तुम लोगों का क्रोध बढ़ता जा रहा था त्यों त्यों बिंदु की आयु भी बढ़ती जा रही थी। इस स्वाभाविक बात पर तुम लोग अस्वाभाविक ढंग से परेशान हो उठे थे। एक बात याद करके मुझे आश्चर्य होता है कि तुम लोगों ने बिंदु को जबरदस्ती अपने घर से विदा क्यों नहीं कर दिया। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम लोग मन ही मन मुझसे डरते थे। विधाता से ने जो बुद्धि दी है भीतर ही भीतर इस बात की फिक्र किए बिना तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता था। अंत में अपनी शक्ति से बिंदु को विदा करने में असमर्थ होकर तुम लोगों ने प्रजापति देवता की शरण ली। बिंदु के लिए वर ठीक हुआ। बड़ी जिठानी बोली, जान बची। माँ काली ने अपने वंश की लाज रख ली। वर कैसा था मैं नहीं जानती। तुम लोगों से सुना था कि सब बातों में अच्छा है। बिंदु मेरे पैरों से लिपट कर रोने लगी। बोली, दीदी मैं ब्याह क्यों कर रही हो मेरा ब्याह क्यों कर रही हो भला। मैंने उसको समझाते बुझाते हुए कहा, बिंदु डर मत, मैंने सुना है तेरा वर अच्छा है। बिंदु बोली, अगर वर अच्छा है तो मुझसे भला ऐसा क्या है जो उसे पसंद आ सके। लेकिन वर पक्ष वालों ने तो बिंदु को देखने के लिए आने का भी नाम नहीं लिया। बड़ी दीदी इससे बड़ी निश्चिंत हो उठी। लेकिन बिंदु रात दिन रोती रही, चुप न होने का नाम लेती। उसको क्या कष्ट है यह मैं नहीं जानती थी। बिंदु के लिए मैंने अपनी गृहस्थी के लोगों से कई बार झगड़ी, लेकिन उसका ब्याह रुक जाए इस यह बात कहने का साहस मैं नहीं कर पाई। कहती भी किस बिना पर, मैं अगर मर जाऊं तो इसकी क्या दशा होगी। एक तो लड़की ऊपर से काली जिसके यहाँ जा रही है वहां उसकी क्या दशा होगी, इस बात की चिंता न करना ही अच्छा है। सोचती तो प्राण कांप उठते। बिंदु ने कहा, दीदी ब्याह में अभी 5 दिन और हैं, इस बीच क्या मुझे मौत नहीं आएगी। मैंने उसको खूब धमकाया, लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि अगर किसी स्वाभाविक ढंग से बिंदु की मृत्यु हो जाती है तो मुझे चैन मिलता। ब्याह के दिन पहले बिंदु ने अपनी दीदी के पास जाकर, दीदी मैं तुम लोगों की गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी वही करूंगी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे इस तरह मत फेंको। कुछ दिनों से दीदी की आंखों से चुपचाप आंसू झर रहे थे। उस दिन भी झरने लगे, लेकिन सिर्फ हृदय ही तो नहीं होता, शास्त्र भी होता है। उन्होंने कहा, बिंदु जानती नहीं स्त्री की गति भी मुक्ति भी सब पति से ही होता है। किस्मत में अगर दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। असली बात तो यह थी कि कहीं कोई और रास्ता ही न था। बिंदु को ब्याह तो करना ही पड़ेगा, फिर जो हो सो हो। मैं चाहती थी कि विवाह हमारे ही घर से हो, लेकिन तुम लोग कह रहे वर के ही घर में हो, उनके कुल की यही रीति है। मैं समझ गई, बिंदु के ब्याह में अगर तुम लोगों को खर्च करना पड़ा तो तुम्हारे गृह देवता उसे किसी भी भांति नहीं सह सकेंगे, इसलिए चुप रहना पड़ा। लेकिन एक बात तुमसे मैं एक बात तुम में से
कोई नहीं जानता, दीदी को बताना चाहती थी पर बताई नहीं, नहीं तो वे डर से मर जाती। मैंने अपने थोड़े बहुत जो गहने चुपचाप बिंदु को पहना दिया था, सोचा था दीदी की नजर तो जरूर आएगा, दीदी को तो नजर जरूर आ जाएगा, लेकिन उन्होंने जैसे देख कर भी नहीं देखा। दुहाई है धर्म की, उसके लिए तुम उन्हें क्षमा कर देना। जाने से पहले बिंदु मुझसे लिपट कर बोली, दीदी तो क्या तुम लोगों ने मुझे एकदम त्याग दिया? मैंने कहा, नहीं बिंदु, तुम चाहे जिस हालत में रहो, प्राण रहते मैं तुम्हें नहीं त्याग सकती। 3 दिन बीते, तुम्हारे ताल्लुके की प्रजाओं के भोजन के लिए तुम्हें जो भेड़ दिया था, उसे मैंने तुम्हारी जठराग्नि से बचाकर नीचे वाली हम लोगों की कोयले की कोठरी के एक कोने में बांध दिया था। सवेरे उठते ही मैं खुद जाकर उसको दाना खिला आती। 2-1 दिन तुम्हारे नौकरों पर भरोसा करके देखा, उसे खिलाने के बजाय उसका झुकाव उसी को खा जाने की ओर अधिक था। उस दिन सवेरे कोठरी में गई तो देखा बिंदु एक कोने में गठरी बनी हुई बैठी है। मुझे देखते ही वह मेरे पैरों पैर पकड़कर चुपचाप रोने लगी। बिंदु का पति पागल था। सच कह रही है बिंदु? तुम्हारे सामने क्या मैं इतना बड़ा झूठ बोल सकती हूँ दीदी? वह पागल है, वह विवाह में ससुर की संपत्ति नहीं थी, सम्मति नहीं थी, लेकिन वे मेरी सास जो उससे यमराज की तरह डरते हैं। ब्याह से पहले वे काशी चले गए, सास जिद करके अपने लड़के का ब्याह कर दिया। मैं वहीं कोयले के ढेर पर बैठ गई। स्त्री पर स्त्री की दया नहीं आती, कहती है वह कोई नहीं, कोई लड़की थोड़ी ही है, लड़का पागल है तो क्या है, तो पुरुष ना। देखने में बिंदु का पति पागल नहीं लगता, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा उन्माद चढ़ता कि उसे कमरे में ताला बंद करके रखना पड़ता। ब्याह की रात वह ठीक था, लेकिन रात में जगते रहने के कारण ही उसी तरह के झंझटों के कारण दूसरे दिन उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। बिंदु दोपहर को पीतल की थाली में भात खाने बैठी, अचानक उसके पति ने भात समेत थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। न जाने क्यों अचानक उसको लगा मानो बिंदु नहीं, बिंदु रानी राशमणि हो। नौकर ने हो ना हो चोरी से उसी की सोने की थाली में रानी के खाने के लिए भात दे दिया हो, इसलिए उसे क्रोध आ गया था। बिंदु तो डर के मारे मरी जा रही थी। तीसरी रात को जब उसकी सास उससे अपने पति के कमरे में सोने के लिए कहा, तो बिंदु के प्राण सूख गए। उसकी सास को जब क्रोध आता था तो होश में नहीं रहती थी, वह भी पागल ही थी, लेकिन पूरी तरह नहीं, इसलिए वह ज्यादा खतरनाक थी। बिंदु को कमरे में जाना ही पड़ा। उस रात उसके पति का मिजाज ठंडा था, इसलिए डर के मारे बिंदु का शरीर पत्थर हो गया था। पति जब सो गए तब काफी रात बीतने पर वह किसी तरह चतुराई से भाग कर चली आई। उसका विस्तृत विवरण लिखने की आवश्यकता नहीं। घृणा और क्रोध से मेरा शरीर जलने लगा। मैंने कहा, इस तरह धोखे के ब्याह को ब्याह नहीं कहा जा सकता। बिंदु तू जैसे रहती है वैसे ही मेरे पास रह, देखूं तुझे कौन ले जाता है। तुम लोगों ने कहा बिंदु झूठ बोल रही है। मैंने कहा, वह कभी झूठ नहीं बोलती। तुम लोगों ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम लोगों ने डर दिखाया। अगर बिंदु ने ससुराल वालों ने पुलिस पर केस कर दिया तो आफत आ पड़ेगी। मैंने कहा, क्या अदालत यह बात ना सुनेगी तो उसका ब्याह धोखे से पागलवर से कर दिया गया है। तुमने कहा, तो क्या उसके लिए अदालत जाएंगे? हमें ऐसी क्या गर्ज है? मैंने कहा जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा अपने गहने बेचकर करूंगी। तुम लोगों ने कहा, क्या वकील के घर तक दौड़ोगी? इस बात का क्या जवाब होता? सिर ठोकने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। उधर बिंदु की ससुराल से उसके जेठ ने आकर बाहर
बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। कहने लगा, थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मैं नहीं जानती मुझ में क्या शक्ति थी, लेकिन जिस गाय ने अपने प्राणों के डर से कसाई के हाथों से छूटकर मेरा आश्रय लिया हो, उसे पुलिस के डर से फिर उस कसाई को लौटाना पड़े, यह बात मैं किसी भी प्रकार नहीं मान सकती। मैंने हिम्मत करके कहा, करने दो थाने में रिपोर्ट। इतना कहकर मैंने सोचा कि अब बिंदु को अपने सोने के कमरे में ले जाकर कमरे में ताला लगाकर बैठ जाऊं, लेकिन खोजा तो बिंदु का कहीं पता नहीं था। जिस समय तुम लोगों से मेरी बहस चल रही थी, उसी समय बिंदु ने स्वयं बाहर निकलकर अपने जेठ को आत्मसमर्पण कर दिया था। वह समझ गई थी अगर वह इस घर में रही तो बड़ी आफत में पड़ जाऊंगी। बीच में भाग आने से बिंदु ने अपना दुख और बढ़ा लिया था। उसकी सास का तर्क था कि उनका लड़का उसको खाए तो नहीं जा रहा था ना, संसार में बुरे पति के उदाहरण दुर्लभ भी नहीं है। उसकी तुलना में उनका लड़का सोने का चांद था। मेरी बड़ी जठानी ने कहा, जिसका भाग्य खराब हो उसके लिए रोने से क्या फायदा, पागल वागल जो भी हो है तो पति ही ना। तुम लोगों के मन में लगातार उस सती साध्वी का दृष्टांत याद आ गया जो अपने कोढ़ी पति को अपने कंधों में बिठाकर वेश्या के यहाँ ले गई थी। संसार भर की कायरता के इस सबसे अधम आख्यान का प्रचार करते हुए तुम पुरुष मन को कभी तनिक भी संकोच न हुआ, इसलिए मानव जन पाकर भी तुम लोग बिंदु के व्यवहार पर क्रोध से भर उठे। उससे तुम्हारा सिर नहीं झुका। बिंदु के लिए मेरी छाती फटी जा रही थी, लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देखकर मेरी लज्जा का भी अंत न था। मैं तो गांव की लड़की थी जिस पर तुम लोगों ने घर आ पड़ी। इस भगवान ने न जाने किस तरह मुझे ऐसी बुद्धि दे दी कि धर्म संबंधी तुम लोगों की यह बातें मुझे किसी प्रकार भी सहन नहीं हुई। मैं निश्चिंत जानती थी कि बिंदु मर भले ही जाए, वह अब हमारे घर लौटकर कभी नहीं आएगी, लेकिन मैं तो उसे ब्याह के एक दिन पहले यह आशा दिला चुकी थी कि प्राण रहते उसे नहीं छोड़ूंगी। मेरा छोटा भाई शरद कलकत्ता के कॉलेज में पढ़ता था। तुम तो जानते ही हो, तरह तरह के वॉलेंटरी करना, प्लेग वाले मोहल्लों में चूहे मारना, दामोदर में बाढ़ आने की खबर सुनकर वह दौड़ पड़ना, इन सब बातों में उनका इतना उत्साह था कि FA की परीक्षा में लगातार 2 बार फेल हुआ। फिर भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मैंने उसे बुलाकर कहा, शरद जैसे भी हो बिंदु की खबर पाने का इंतजाम तुझे ही करना पड़ेगा। बिंदु को मुझे चिट्ठी भेजने का साहस नहीं होगा, वह भेजे भी तो मुझे नहीं मिलेगी। इस काम के बजाय यदि मैं उससे डाका डालकर बिंदु को लाने की बात कहती या उससे शरद से बातचीत कहती या उसके पागल पति का सिर तोड़ देने की बात कहती तो उससे ज्यादा खुशी होती। शरद से बातचीत कर रही थी तभी तुमने कमरे में आकर कहा, तुम फिर यह क्या बखेड़ा कर रही हो। मैंने कहा, वही जो शुरू से करती आई हूँ जब से तुम्हारे घर आई हूँ, लेकिन नहीं, वह तो तुम ही लोगों का काम है। तुमने पूछा, बिंदु को लाकर फिर कहाँ कहीं छिपा कर रखा है क्या। मैंने कहा, बिंदु अगर आती तो मैं जरूर छिपा कर रख लेती, लेकिन अब नहीं आएगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। शरद को मेरे पास देखकर तुम्हारा संदेह और भी बढ़ गया। मैं जानती थी कि शरद का हमारे यहाँ आना जाना तुम लोगों को पसंद नहीं। तुम्हें डर था कि उस पर पुलिस की नजर है, अगर कभी भी किसी राजनीतिक मामले में फंस गया तुम्हें भी फंसा डालेगा, इसलिए मैं भाई दूज का तिलक भी किसी आदमी के हाथों उसी के पास भिजवा देती थी, अपने घर कभी भी नहीं बुलाती थी। एक दिन तुमने सुना कि बिंदु फिर भाग गई, इसलिए उसका जेठ हमारे घर उसे खोजने आया। सुनते ही मेरी छाती में शूल चुभ गया। अभागिनी का असह कष्ट तो मैं समझ गई, पर फिर भी कुछ करने का कोई रास्ता ना था। शरद
पता करके दौड़ा पता करने दौड़ा। शाम को लौटकर मुझसे बोला, बिंदु अपने चचेरे भाइयों के यहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर उसी वक्त उसे ससुराल पहुंचा दिया। उसके इसके लिए उन्हें हर जाने का और गाड़ी के किराए का जो दंड भोगना पड़ा, उसकी खार अब भी उनके मन में रह गई है। श्री क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम लोगों की काकी तुम्हारे यहाँ आकर ठहरी। मैंने तुमसे कहा मैं भी जाऊंगी उनके साथ। अचानक मेरे मन में धर्म के प्रति यह श्रद्धा देखकर तुम इतने खुश हुए कि तुमने तनिक भी आपत्ति नहीं की। तुम्हें इस बात का भी ध्यान था कि अगर मैं कलकत्ता में रही तो फिर किसी ना किसी दिन बिंदु को लेकर झगड़ा कर बैठूंगी। मेरे मारे तुम्हें बड़ी परेशानी थी। मुझे बुधवार को चलना पड़ा, रविवार को ही सब चलना था, रविवार को ही सब ठीक ठाक हो गया। मैंने शरद शरद को बुलाकर कहा, जैसे भी हो बुधवार को पूरी जाने वाली गाड़ी में तुझे बिंदु को चढ़ा ही देना पड़ेगा। शरद का चेहरा खिल उठा। वह बोला, डर की कोई बात नहीं दीदी, मैं उसे गाड़ी में बिठाकर पूरी तक चला चलूंगा। इसी बहाने जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। उस दिन शाम को शरद फिर आया। उसका मुंह देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, क्या बात है शरद, शायद कोई रास्ता नहीं निकला? वह बोला, नहीं। मैंने पूछा, क्या उसे राजी नहीं कर पाए? उसने कहा, अब जरूरत भी नहीं है, कल रात उसने कपड़ों में आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। उस घर के जिस भतीजे ने से मेरा मेलजोल बढ़ा लिया था, उसी से खबर मिली कि तुम्हारे नाम की वह एक चिट्ठी रख गई है, लेकिन वह चिट्ठी उन लोगों ने नष्ट कर दी। चलो छुट्टी हुई, गांव भर के लोग चीख उठे, कहने लगे, लड़कियों का कपड़ों में आग लगाकर मर जाना तो अब एक फैशन हो गया है। तुम लोगों ने कहा, अच्छा नाटक है, हुआ करे, लेकिन नाटक का तमाशा सिर्फ बंगाली लड़कियों की साड़ी पर ही क्यों होता है? बंगाली वीर पुरुषों की धोती की चुन्नटों पर क्यों नहीं होता? यह भी तो सोचकर देखना चाहिए। ऐसा ही था बिंदु का दुर्भाग। जितने दिन जीवित रही तनिक भी यश नहीं मिल सका, न रूप का न गुण का। मरते वक्त भी यह नहीं हुआ कि सोच समझ कर कुछ ऐसे ढंग से मरती कि दुनिया भर के लोग खुशी से ताली बजा उठते। मरकर भी उसने लोगों को नाराज ही किया। दीदी कमरे में आकर चुपचाप रोने लगी, लेकिन उस रोने में भी जैसे एक सांत्वना थी। कुछ भी हो, जान तो बची, मर गई, यही क्या कम है? अगर बची रहती तो ना जाने क्या हो जाता। मैं तीर्थ में आ पहुंची हूँ, बिंदु के आने की तो जरूरत ही नहीं रही, लेकिन मुझे जरूरत थी। लोग जिसे दुख मानते हैं, वह तुम्हारे गृहस्थी में मुझे कभी नहीं मिला। तुम्हारे यहाँ खाने पहनने की कोई कमी नहीं थी। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र चाहे जैसा हो, तुम्हारे चरित्र में ऐसा कोई दोष नहीं जिसके लिए विधाता को बुरा कह सकूं। वैसे अगर तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे बड़े भाई की तरह भी होता तो भी शायद मेरे दिन करीब करीब ऐसे ही कट जाते और मैं अपनी सती सावित्री बड़ी जिठानी की तरह पति देवता को दोष देने के बजाय विश्व देवता को ही दोष देने की चेष्टा करती। अतएव मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहती, मेरी चिट्ठी का कारण यह नहीं है, लेकिन मैं अब माखन बराल की गली में तुम्हारे उस 27 नंबर वाले घर में लौट कर नहीं आऊंगी। मैं बिंदु को देख चुकी हूँ। इस संसार की नारी का सच्चा परिचय क्या है यह मैं पा चुकी हूँ। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और फिर मैंने यह भी देखा कि वह लड़की ही क्यों ना हो, भगवान ने उसे त्याग नहीं किया। उस पर तुम लोगों को चाहे जितना ही जोर क्यों ना रहा हो, वह उसका अंत नहीं था। वह अपने अभागे मानव जीवन से बड़ी थी। तुम लोगों के पैर इतने लंबे नहीं थे कि तुम मनमाने ढंग से अपने हिसाब से उसके जीवन को सदा के लिए उनसे दबा कर रख सकते। मृत्यु तुम लोगों से भी बड़ी है, अपनी मृत्यु में वह महान है। वहां बिंदु केवल बंगाली परिवार की लड़की नहीं,
केवल चचेरे भाइयों की बहन नहीं, केवल किसी अपरिचित पागल पति की प्रवंचिता पत्नी ही नहीं, वहां वह अनंत है। मृत्यु की इस वंशी का स्वर उस बालिका के भग्न हृदय से निकलकर जब मेरे जीवन यमुना के पास बजने लगा, तो पहले पहल मानो मेरी छाती में कोई बाण बिद गया हो। मैंने विधाता से प्रश्न किया, इस संसार में जो सबसे अधिक तुच्छ है वही सबसे अधिक कठिन क्यों है? इस गली की चार दीवारी में घिरे इस निरानंद स्थान में वह तो तुच्छतम बुद्बुद है, वह इतनी भयंकर बाधा कैसे बन गया? तुम्हारा संसार अपनी षट नीतियों से शुदा पात्र को संभाल ले, कितना ही क्यों न पुकारे, मैं उस अंतरपुरी की जरा सी चौखट को छड़ पड़ के ले भी पार क्यों न कर सकूं? ऐसे संसार में ऐसे जीवन लेकर मुझे इस अत्यंत तुच्छ काट पत्थर की आड़ में ही तिल तिल कर क्यों न मरना होगा, क्यों मरना होगा? इतनी तुच्छ है यह मेरी प्रतिदिन की जीवन यात्रा, इसे इसके बंधे नियम, बंधे अभ्यास, बंधी हुई बोली, बंधी हुई मार, सब कितनी तुच्छ है। फिर भी क्या अंत में दीनता के उस नागपाश बंधन को ही जीत, बंधन की ही जीत होगी, और तुम्हारे अपने इस आनंद लोक की सृष्टि की हार। लेकिन मृत्यु की वंशी बजने लगी, कहाँ गई राजमिस्त्रियों की बनाई हुई वह दीवार, कहाँ गया तुम्हारे घोर नियमों से बंधा हुआ कांटों का घेरा? कौन सा है वह दुख, कौन सा है वह अपमान जो मनुष्य को बंदी बनाकर रख सकता है? यह लो मृत्यु के हाथ में जीवन की जय पताका उड़ रही है। अरे मजली बहू, तुझे डरने की अब जरूरत नहीं। मजली बहू को इस खोल से विलग होने में क्षण भर भी नहीं लगा। तुम्हारी गली का मुझे कोई डर नहीं। आज मेरे सामने नीला समुद्र समुद्र है, मैं मेरे सिर पर आषाढ़ के बादल हैं। तुम लोगों के रीति रिवाज के अंधकार ने मुझे अब तक ढक रखा था। बिंदु ने आकर क्षण भर के लिए उस आवरण के सुराख से मुझे देख लिया। वही लड़की अपनी मृत्यु से सिर से पैर तक मेरा आवरण उघाड़ गई। आज बाहर आकर देखती हूँ, अपना ऐश्वर्य रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। मेरा यह अनादृत रूप जिनकी आंखों को मोह लिया है, वे मेरे सौंदर्य को आज संपूर्ण आकाश से मुझे निहार रहे हैं। अब मछली बहू मर गई। खैर, तुम सोच रहे होगे मैं मरने जा रही हूँ। डरने की जरूरत नहीं, तुम लोग के साथ मैं ऐसा पुराना मजाक नहीं करूंगी। मेरा भाई भी तो नहीं मरी, वह भी तो मेरी तरह नारी थी, उनकी जंजीरें भी तो कम भारी नहीं थी। बचने के लिए उनको तो मरना नहीं पड़ा। मीराबाई ने मेरे अपने गीत गाकर कहा, बाप छोड़ दे, माँ छोड़ दे, जहां कहीं जो भी है सब छोड़ दे, लेकिन मीरा की लगन वही रहेगी। प्रभु, अब जो होना है सो हो, यह लगन ही तो है जीवन, लगन ही तो जीवन है। मैं जीवित रहूंगी, मैं बच गई, चरणों के आश्रय से मुक्त हुई, तुम लोगों की मरना। और शुक्रिया। ये कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर की मुझे हमेशा ही रुला जाती है कि कब लिखा उन्होंने नारी की यह वेदना, आज भी उतनी ही क्या कहते हैं उसको, शब्द नहीं मिल रहे मुझे, उतनी ही है। अनम्यूट करो। नहीं, वो अनम्यूट है बिल्कुल। यह जिस तरह नारी की वेदना को उतनी ही यहाँ टैगोर उठाते हैं इस कहानी में और कई अन्य कहानियों में, वह क्या कहते हिंदी में अलंकार की चलो ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी है जिसे हम जितनी बार भी पढ़ें उतनी बार वह हमें ला जाती है। बहुत सी कहानियां हैं इनकी जिसे बार बार कहीं ना कहीं कोट किया जा सकता है, और मृणाल की कहानी तो अपने आप में
बहुत ही उत्कृष्ट है, जिसे हर किसी को, जितने भी लेखक हैं या जो कुछ भी पढ़ते हो, तो ये जरूर पढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि हिंदी में रविन्द्रनाथ टैगोर की इस कहानी को सबसे ज्यादा पढ़ा गया ये, और नष्ट नहीं हुई। जी सुलोचना जी कुछ कह रही है। जी जी मैं सुन रहा हूँ। सुलोचना हाँ, जी कुछ कह रही मैं है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, तो जो मीता दी जो शब्द ढूंढ रही थी वो था कि जो आज भी बहुत मौजूद है, ये कहना चाह रही थी वो। अनम्यूट करो। नहीं नहीं सुलोचना अनम्यूट करो। हम लोगों की आवाज आ रही है, कुछ आपके अर्पण की भी आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं कुछ शायद किसी का फोन आ गया होगा बीच में, इस कारण से आप लोगों को हमारी आवाज, आपको हमारी आवाज ना आ रही हो। आप एक बार मिता जी बाहर निकलकर फिर से आए, आपका अर्पण की आवाज नहीं आ रही है। सुलोचना जी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है आपकी मिता दास। सुलोचना की आवाज भी नहीं आ रही। जी एक बार आप पुनः अपने तो आप को, जी अपने मिता जी अपने आप को बाहर करके फिर से आ जाएं, आपकी आवाज हमें सुनाई पड़ेगी और आपको हमारी भी। जी मिता दास जी एक बार स्वयं को हेलो प्रोग्राम से, जी इस प्रोग्राम से बाहर निकालकर फिर से जुड़े, आप हम लोगों की बात सुन पाएंगी। मित्रों एक बेहद खास, जी एक बेहद खास कहानी रविंद्रनाथ टैगोर जी की, स्त्री का पत्र, और किस तरह से सुलोचना जी वह जो मृणाल का बिंदु के साथ एकाकार होना है, बिंदु के जीवन के साथ जितने अन्याय हुए वह कैसे एक एक कर उसका चित्रण करती है और अंत में वह घर छोड़ देती है, यह जो है बहुत बड़ी बात है उस समय के लिए कि जहां एक दुखी स्त्री के साथ एक दूसरी स्त्री कितने अपनत्व के साथ खड़ी है। वह पूरा जी वह पूरा समकाल आता है, और परिवार के भीतर जिस तरह के भेदभाव हैं, जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह का एक छद्म दुराव छिपाव है, वह सब एक एक करके ये चीजें यहां पर आती हैं, भाषा के स्तर पर भी। और कहानी तो खैर बेहद कारुणिक है ही, क्योंकि बिंदु अपना जीवन नष्ट करती है, उसे आत्महत्या करना पड़ता है, उसके साथ कितने तरह के अनाचार होते हैं, और कई कई प्रश्न उठाते रहते हैं बीच बीच में टैगोर मृणाल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, पूरी पत्र शैली में लिखी इस कहानी में जाने कितने लेयर्स हम लोगों को देखने को मिले। स्त्री पुरुष की असमानता पर भी यहां चर्चा हुई, वह जो हिस्सा है वह भी बेहद खास है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, जब लोग कहते हैं कि अच्छा नाटक है, उस पर क्या तंज कसती है मृणाल, हुआ करे, लेकिन नाटक का तमाशा सिर्फ बंगाली लड़कियों की साड़ी पर ही क्यों होता है, बंगाली वीर पुरुषों की धोती की चुन्नटों पर क्यों नहीं होता, यह भी तो सोचकर देखा जाना चाहिए। और मृत्यु को लेकर भी जिस तरह से दर्शन भरी बातें यहां पर की गई हैं, वह भी जीवन की विद्रूपता के बीच मृत्यु को यहां एक समाधान के रूप में नहीं रखा गया है, मगर एक मनुष्य का दूसरे के साथ इस तरह अनवरत अन्याय करते चले जाने को दिखलाने की कोशिश की गई है, खासकर बिंदु के उस चरित्र के संबंध में। मिता जी हम लोग की बात आप सुन रही होंगी शायद। नहीं उस वक्त नहीं सुन पा रही थी, अभी सुन रही हूँ। जी 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 बहुत ही मार्मिक कहानी, और जिस तरह से अभी मैं वही कह रहा था कि इस कहानी में इतने लेयर्स हैं, इतनी तरह से घटनाएं आगे बढ़ती हैं, और एक बिल्कुल सादे शिल्प में कि यह कहानी पाठकों को निश्चय ही अपने साथ बहुत ही गहराई से जोड़ती चली जाती है, उन्हें उद्वेलित भी करती है।
और वह पूरा परिवेश भी आता है, जासूसों की बातें और तमाम चीजें। और सबसे बड़ी बात कि परिवार में भद्रता के नाटक के पीछे जिस तरह की गंदगी छुपी हुई है उसका पर्दाफाश टैगोर करते हैं। स्त्री मन के कितने गहरे चितेरे हैं टैगोर, इस कहानी से और उनकी अन्य रचनाओं से भी हम इस बात को समझ सकते हैं। और वह हिस्सा भी कितना महत्वपूर्ण है जब मृणाल बिंदु की मृत्यु पर सोचती है, वह उसके इस कदम से एकदम विचलित हो जाती है। वह लिखती है, वह हिस्सा आता है कहानी का, मैं फिर से पढ़ता हूं। अपनी मृत्यु में वह महान है, वहां बिंदु केवल बंगाली परिवार की लड़की नहीं है, केवल चचेरे भाइयों की बहन नहीं है, केवल किसी अपरिचित पागल पति की प्रवंचिता पत्नी नहीं है, वहां वह अनंत है। मृत्यु की उस वंशी का स्वर उस बालिका के भग्न हृदय से निकलकर जब मेरे जीवन की यमुना के पास बजने लगा तो पहले पहल मानो मेरी छाती में कोई बाण बिंध गया हो। और जिस तरह से वह घर छोड़ देती है मृणाल और मीराबाई को याद करती है, यह कहानी मुझे लगता है कि एक स्त्री की चेतना को, स्त्री के साथ स्त्री की समानुभूति को बहुत ही गहराई से उठाती है। आपने इसका यहाँ पाठ किया, इस कहानी का अनुवाद किया और अच्छा लगा जी। एक बार पुनः शुक्रिया मिता दास जी। शुक्रिया आपका भी, जनसुलभ पुस्तकालय का भी, और जितने श्रोता हैं जिन्होंने सुना उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मित्रों आगे बढ़ता हूँ, आज कुछ कारण से हमारे बीच उत्पल बैनर्जी जी उपस्थित नहीं है, उनके पिता थोड़े अस्वस्थ हैं, इस कारण से उन्होंने अपना वह आलेख भेज दिया है जिसका अनुवाद उन्होंने बांग्ला से हिंदी में किया। रविंद्रनाथ ठाकुर जी का ही वह आलेख है, शिक्षा और संस्कृति में संगीत का स्थान। जब भी हम टैगोर की बात करते हैं रविंद्र संगीत की बात अपने आप हो जाती है, वह जैसे कि एक दूसरे के पर्याय हैं, जिसकी बात मिता दास जी भी कर रहे थे कि उन्हें गीतकार कहें, कवि कहें, कहानीकार कहें, शिक्षाविद कहें, चित्रकार कहें, कितने कितने रूप हैं और कितनी साधना के साथ, कितनी दक्षता के साथ इन सभी माध्यमों को वे भली भांति अपनाते चले जाते हैं टैगोर। तो रविंद्र संगीत जिसे उन्होंने रचा, जिनके शब्दों को रचा, जिसके संगीत को रचा, जब वही शख्सियत, जब वही व्यक्तित्व एक बेहद महत्वपूर्ण निबंध लिखता है शिक्षा और संस्कृति में संगीत का स्थान, क्या है वह स्थान, आइए हम इस आलेख को सुनते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का यह आलेख शिक्षा और संस्कृति में संगीत का स्थान, मैं पढ़ता हूं। उत्पल बनर्जी जी ने इसका बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया है जी। शुरू करता हूं। जी, बंगाल में जब आधुनिक युग की शुरुआत हो रही थी, बंगाल में जब आधुनिक युग की शुरुआत हो रही थी तब ऐसे समय में मेरा जन्म हुआ था। पुरातन युग की रोशनी उस समय तक मध्यम हो चुकी थी लेकिन पूरी तरह विलीन नहीं हुई थी। पीछे की ओर से इसके कुछ इशारे, कुछ प्रत्यक्ष और परिचय मुझे मिल सका था। इनमें छीजते जीवन के तमाम विकार मौजूद थे। आजकल के आदर्शों के आधार पर विचार करें तो विभिन्न आयामों में उसकी शिथिलता और दुर्बलता मन को शर्मिंदा कर सकती है, किंतु तब के प्रदोष की छाया में ऐसा कुछ दिखा था जो अस्त होते सूर्य के आलोक जैसा था। उन दिनों के इतिहास के बही खाते में जिसे अंधकार कोठरी में फेंका नहीं जा सकता,
उनमें से एक है उस युग की जीवन यात्रा में संगीत का समादर। मैंने देखा उन दिनों के विशिष्ट परिवारों में संगीत विद्या पर अधिकार को विदग्धता के प्रमाण। जी उस सेकंड्स दें जी। मैंने देखा उन दिनों के विशिष्ट परिवारों में संगीत विद्या पर अधिकार को विदग्धता के प्रमाण के रूप में गिना जाता था। वर्तमान समाज में अंग्रेजी की रचनाओं में हिज्जों या व्याकरण की गलतियों को जिस तरह हम अशिक्षा का शर्मनाक परिचय मानकर चौंक उठते हैं, ऐसा ही होता यदि यह दिखता कि अभिजात परिवार का कोई व्यक्ति गाते समय सम पर सिर हिलाने में गलती कर बैठे या फिर उस्ताद को राग रागने की फरमाइश करते हुए रीति की रक्षा न कर पाया हो। इससे उन दिनों खानदान की मर्यादा पर कलंक लग जाता था। खुशकिस्मती से तब तक हमारे संगीत के राज्य में बॉक्स हारमोनियम की महामारी ने हवा को कलुषित नहीं किया था। तंबूरे के तारों में अपने हाथों से सुर बांधकर उसे कंधे पर टिकाकर आलाप की भूमिका से जब बड़े बड़े गीतकारों के ध्रुपद गीतों से गायक निस्तब्ध सभाओं को मुखरित कर देते थे, उस छवि का सुगंभीर रूप आज भी मेरे मन को उजास से भर देता है। सुदूर प्रदेशों से आमंत्रित गुणीजनों का समादर करके शास्त्रीय संगीत की महफिलें सजाना उस जमाने के संपन्न लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा का सबब हुआ करता था। वस्तुतः उन दिनों का समाज विद्या के किसी भी विषय को शिक्षणीय और संरक्षणीय मानता था। अमीर लोग इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जी को अमीर लोग इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी को अपना गौरव समझते थे। इस स्वतः स्वीकृत टैक्स के बल पर ही उन दिनों के शास्त्रज्ञ पंडित समाज में उच्च शिक्षा के पीठ स्थानों की स्थापना और उनके पोषण का विधान कर सके थे। उन दिनों यदि समाज के समस्त प्रदीपों को जलाकर रखने के महासमवाय में किसी धनी की कृपणता दिखाई देती तो उसे धन की अवमानना माना जाता। उन दिनों सरस्वती लक्ष्मी के द्वार पर भिक्षावृत्ति के लिए आकर सिर नहीं चुकाती थी। उन दिनों सरस्वती लक्ष्मी के द्वार पर भिक्षावृत्ति के लिए आकर सिर नहीं चुकाती थी। भारती के द्वार पर लक्ष्मी स्वयं अर्घ्य लेकर सिर झुकाए रह जाती। इसी सहजता के साथ आत्मगौरव के प्रवर्तन के लिए अमीरों ने देश में संगीत के गौरव की रक्षा की है, यह उनका सामाजिक कर्तव्य हुआ करता था। इससे हम समझ सकते हैं संगीत को उन दिनों सम्मानजनक विद्या के रूप में ही ग्रहण किया जाता था। आगे पढ़ता हूं। किस तरह से अलग अलग पक्षों पर टैगोर विचार कर रहे हैं यहां जी। आगे पढ़ रहा हूं क्योंकि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण निबंध है कि इस पर चर्चा अपेक्षित है जी। थोड़ा सा समय दे, कोई अंश छूट ना जाए, मेरी ओर से यह कोशिश है जी। पढ़ता अक्षरों के मामले में जिस विद्या का संचरण था ऊपर नीचे उसके दो भाग थे। एक था श्रुति स्मृति दर्शन व्याकरण का उच्च शिखर और थी
जन शिक्षा की निम्न भूमि बढ़ती उपत्यका। समाज के गणमान्य व्यक्ति सदा ही इन दोनों का पालन करते आए हैं। विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा ही दिए गए दान की निरंतर सहायता से निस्वप्राय अध्यापक लोग बिना वेतन के दुर्गम शास्त्र भंडार की हर प्रकार की विद्या का वितरण करते आए हैं। विशेष विशेष स्थानों पर इन समस्त विद्याओं के विशेष केंद्र हुआ करते थे और छोटे आकार वाली जगहों पर विभिन्न गांवों में एक एक घने छाया वाली फलदार वनस्पति की तरह इनका आविर्भाव हुआ था। यानी देश में उच्च शिक्षा भी दो एक दूरवर्ती विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं थी, इसका विस्तार देश के लगभग सभी ओर था। इसी तरह प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रत्येक गांव के प्रधानों की आर्थिक मदद से तथा उनके ही भवनों में पाठशालाएं लगाई जाती। शिक्षा पाने वालों में अमीर गरीब का भेद नहीं था। इन सब की जिम्मेदारी राजा के अधिकार का क्षेत्र नहीं था, यह सब समाज के अपने हाथों में हुआ करता। संगीत के क्षेत्र में भी दो धाराएं थीं। शास्त्रीय संगीत की खर्चीली चर्चाओं का क्षेत्र अमीरों के बैठक खाने हुआ करते। यह संगीत चारों ओर के लोगों के कानों तक पहुंचा करता। गायन के सुर संचरण से हवा अभिषिक्त हो उठती। संगीत के प्रति जिनमें स्वाभाविक अनुराग होता उन्हें इससे प्रेरणा मिलती थी। शिक्षा ग्रहण करने की भूमिका तैयार होती थी। जिन सब अमीरों के यहां वजीफा पाने वाले गायक होते उनसे केवल घर के लोगों को ही तालीम नहीं मिलती, बाहर के लोगों को भी सीखने का अवसर मिला करता। वस्तुतः ये तमाम जगहें शास्त्रीय संगीत सीखने के छोटे छोटे कॉलेज जैसे थे। विख्यात बंगाली संगीत नायक यदुभट्ट जब हमारे जोड़ासाकों वाले घर में रहते थे तो तमाम लोग उनसे सीखने वहां आया करते। कोई मृदंग के बोल सीखता, कोई राग रागिनियों के आलाप। इस कलरव मुखर जन समागम में कहीं पर किसी तरह का निषेध नहीं था। विद्या को सुरक्षित करने और उसे चारों ओर बिखरा देने का यह एक सहज उपाय था। टैगोर आगे लिखते हैं, यह तो शास्त्रीय संगीत की बात हुई। लोक संगीत के प्रवाह की भी कई कई शाखाएं हुआ करती थीं। नदी मात्रिक बंगाल के प्रांगणों में जिस तरह छोटे बड़े नदी नालों ने प्रवाह का जाल बिछा दिया है, उसी तरह गायन का प्रवाह भी विभिन्न धाराओं में बहा था। उसने तरह तरह के रूप धरकर बंगालियों के हृदयों को रससिक्त किया है। जात्रा, पांचाली, कथावाचन, कवि के गीत, कीर्तन आदि ने पूरे देश को मुखरित कर रखा था। लोक संगीत का इतना वैचित्र किसी और देश में मिलता है या नहीं मुझे नहीं मालूम। अमीर संतानों में अपनी अभिरुचियों की राह तैयार करने का उत्साह था। इन सब तमाम अंगों के गीत अमीर लोग सुना करते, लेकिन दूसरे देशों के विलासी लोगों की तरह यह सारा कुछ उन लोगों के पैसों से निर्मित बाड़ के भीतर सिर्फ अपने भोग की वस्तु नहीं थी। मैंने बचपन में अपने घर में नल दमयंती की यात्रा सुनी है। आंगन में जाजिम बिछाई गई थी। वहां जो लोग आए थे उनमें से ज्यादातर अपरिचित थे और अधिकांश लोग अकिंचन
इसका प्रमाण जूते चोरी की घटनाओं से पता चलता। मेरे पिता के परिचित थे किशोरी चटर्जी। युवा काल में वे किसी पांचाली दल के नेता हुआ करते थे। वे अक्सर मुझसे कहा करते, दादा भाई तुम अगर पांचाली के दल में होते तो फिर। शेष वे भाषा में अभिव्यक्त नहीं कर पाते। बालक दादा भाई का मन भी पांचाली के दल में ख्याति अर्जित करने की असंभव दुराशा में चंचल हो उठता। उनसे पांचाली के जो गीत सुना करता, उनकी रागिनी सनातन हिंदुस्तानी हुआ करती। लेकिन उनके सुरों ने बांग्ला काव्य के साथ मित्रता करने की कोशिश में पश्चिमी घाघरा के घूर्णावर्त को बंगाली साड़ी की बहुलता विहीन सहज दायरे में सीमित कर दिया था। इस कातर को अपने आरक्त चरणों में रख लो मां, इस कातर को अपने आरक्त चरणों में रख लो मां, दीनहीन क्षीण लोगों के साथ जो करती हो मां, अपने गुणों के कारण देती हो अभय, इस अधीन को तारो मां, इस अधीन को तारो मां, बहुत निरुपाय हूं मैं। आज इन सुरों की याद आती है। सूर्य की किरणों की छटा जिस तरह लाखों योजन दूर तक व्याप्त हो जाती है, यही हाल इन गीतों का है। और मेरी श्यामली पृथ्वी का वायुमंडल प्रभात की रूपहली छटा और सूर्यास्त का सुनहला जरीदार आंचल लिए तन्वी की देह को घेरता दक्षिणी हवा में कांपता रहता है। भाषा देखिए, क्या भाषा है, कविता है, गद्य कविता बिल्कुल। और जो विश्लेषण है वह तो है ही, जो ऑब्जर्वेशन है वह तो खैर कमाल का ही है। फिर से पढ़ता हूं, प्रकृति के साथ लेखक का संवाद देखिए। और मेरी श्यामला पृथ्वी का वायुमंडल प्रभात की रूपहली छटा और सूर्यास्त का सुनहला जरीदार आंचल लिए तन्वी की देह को घेरता दक्षिणी हवा में कांपता रहता है। लेकिन यह भी तो ऐश्वर्य ही है, यह भी तो चाहिए कि तुम प्रेम करोगे, कि तुम प्रेम करोगे। एक मिनट समय दीजिए जी। कि तुम प्रेम करोगे, प्रेम मैंने इसलिए नहीं किया था। कि तुम प्रेम करोगे, प्रेम मैंने इसलिए नहीं किया था। इसमें तान की प्रगल्भता नहीं है, लेकिन वेदना अवश्य है। इसमें तान की प्रगल्भता नहीं है, लेकिन वेदना अवश्य है। साधारण लोगों के लिए यह भी तो चाहिए ही। मैं केवल साधारण की बात क्यों कर रहा हूं। एक समय संभ्रांत घरों की रसना ने भी तो तृप्ति के साथ इसका स्वाद लिया है। लड़कियों के अशिक्षित कौशल की बात कालिदास ने की है। सरल प्रकृति के लोगों के अप्रशिक्षित स्वाद भोग की बात भी सच है। जिस घर की पाकशाला मोहल्ले में दूर तक मुगलई भोज की देखिए कहां कहां टैगोर की दृष्टि जाती है, आदमी बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है। जिस घर लिखते हैं जिस घर की पाकशाला मोहल्ले में दूर तक मुगलई भोज की ललचाती गंध से आमोदित होती हो, उसी घर में विधवा मौसी की बिना मसाले वाले शाकाहारी व्यंजनों का आदर संभवतः उससे भी अधिक होता है। और पंक्तियां, याद रही सखी मन की वेदना, याद रही
सखी मन की वेदना, जब वे जाते हैं प्रवास पर, उनसे कहते कहते कहना रह जाता है, उनसे कहते कहते कहना रह जाता है। यह तो बंगालियों का ही गीत है, बंगालियों के हृदयों ने अत्यंत त्रसित होकर गीतों की कामना की थी, इसलिए वे खुद अपने सहज गीतों की रचना किए बिना नहीं रह सके। इसलिए आज भी बांग्ला साहित्य में गीत जब तब जहां तहां अनाहूत अनाधिकार प्रवेश करने में कुंठित नहीं होते। इससे अन्य देशों के अलंकार शास्त्र सम्मत प्रथाएं टूट जाती हैं, लेकिन हमारी प्रथाएं हमारे स्वभाव के अनुरूप ही हैं। हम किन प्राणों के बल पर उनकी भर्त्सना कर सकते हैं भला? अभी उस दिन हमारे नटराज शिशिर भादुड़ी महाशय किसी दुखांत गंभीर नाटक के लिए मुझसे गीत लिखने की फरमाइश कर बैठे। कोई विदेशी नाट्येश्वर इस तरह का प्रस्ताव अपनी जवान पर नहीं लाते, वे इसे नाट्य कला के बीच में एक उपद्रव ही समझते। संभव है आजकल के अंग्रेजीदान लोग भी इस तरह के अनियम पर उंगली उठाएं। मैंने तो नहीं किया, मैं कहता हूं हमारे अपने मन अपने आनंद की प्रेरणा से स्वयं अपने आदर्श गढ़ लेंगे। मैं कहता हूं हमारे अपने मन अपने आनंद की प्रेरणा से स्वयं अपने आदर्श गढ़ लेंगे। इसमें कला तत्व के संयम और छंद को बचाकर चलना होगा, लेकिन उसकी सूरत यदि विदेशी सांचे में ढली हुई न हो तो उसे ठोक पीट कर बदलना ही होगा। मैं ऐसा नहीं कह सकूंगा, विदेशी अलंकार शास्त्र पढ़ने के बहुत पहले से हमारे नाट्य जिन्हें हम यात्रा कहते हैं गीतों के सुरों में ढले हुए थे। वह मानो बंगाल की भूमि की तरह ही हैं, वहां की भूमि में पानी का भाग ही ज्यादा है। कथावाचन जो अलंकार शास्त्र के अनुसार नैरेटिव की श्रेणी में शामिल है, उसकी संरचना भले ही गद्य में की गई हो, नारी मुक्ति के युग की स्त्रियों की तरह गीत कला उसमें अनायास ही बिना किसी संकोच के प्रवेश करती थी। मुझे याद आता है एक दिन इससे मैं मुग्ध हो गया था। साहित्य सृजन के प्रचलित विधि को याद करके उद्वेलित आनंद को लज्जित होकर मैंने संयत तो नहीं किया। खैर, मेरा कहना यह है कि आत्माभिव्यक्ति के लिए बंगालियों ने स्वभावतः गीतों को अत्यधिक चाहा है। खैर, मेरा कहना यह है कि आत्माभिव्यक्ति के लिए बंगालियों ने स्वभावतः गीतों को अधिक चाहा है। इसी वजह से सर्वसाधारण केवल हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का अनुसरण नहीं कर सके, इसीलिए कान्हड़ा तराना मालकौंस दरबारी और तोड़ी के बेशकीमती गीतों के उपकरणों के रहते हुए भी बंगालियों को कीर्तन रचने पड़े। उन्होंने गीतों से प्यार किया, इसलिए आज हो या कल हो बांग्ला के गीत जिस उत्कर्ष को अर्जित करेंगे वे अपने रास्ते से ही करेंगे। वे किसी और द्वारा जमाए गए पत्थरों से बने रास्तों से नहीं करेंगे। कितनी स्पष्ट बात रखते हैं, कितने मुखर ढंग से और कितने आत्मविश्वास से परिपूर्ण, और कितना तुलनात्मक अध्ययन और उसके बाद अपनी जातीयता
कि कैसी पहचान हम यहां देख रहे हैं। मैं इस अनुदित आलेख का अगला हिस्सा पढ़ता हूं, कुछ समय दें मैं उस हिस्से पे आ जाऊं। हाँ जी, मैंने जिस सूत्र से इस प्रबंध की रचना शुरू की थी, यहां उस सूत्र को हम एक बार फिर से पकड़ते हैं। देश की संस्कृति में संगीत की प्रधानता थी। विदा लेते पिछले जमाने की ओर देखकर, विदा लेते पिछले जमाने की ओर देखकर इस बात का पता चलता है। फिर इसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे मैं एक अन्य युग में प्रविष्ट होता गया। जिस युग में लड़के छोटी उम्र से कॉलेज की बड़ी डिग्री की ओर सिर उठाए नोट्स याद किया करते थे, तब गीत को सम्मानीय विद्या के रूप में देखने की धारणा लुप्त होने लगी थी। जिन सब बड़े घरों में गायकों को आदर और आश्रय मिला करता, वहां पर संगीत के भग्न भवन में पढ़ाई को कंठस्थ करने का शोर उभरने लगा। उस समय के युवाओं को ऐसी सनक छूटी कि दुर्गति ग्रस्त संगीतकारों के चरित्र के साथ जोड़कर गायन विद्या के पवित्र रूपक को ही विभत्स माना जाने लगा। बंगाल के शिक्षा विभाग संगीत को स्वीकार नहीं कर सके। बंगाल के शिक्षा विभाग संगीत को स्वीकार नहीं कर सके, इसलिए संगीत में रुचि, अधिकार और अनुभव के न होने को अशिक्षा का द्योतक मानकर शर्मिंदगी महसूस करने की वजह उन दिनों के शिक्षित लोगों की मंडली के मन में पैदा नहीं हुई थी, बल्कि उन दिनों जिन युवाओं ने हितैषियों के डर से दबे गले से गीत गाए, उनके चरित्र पर संदेह किया गया। कैसे फिर बाद में परिवर्तन होते गए, संगीत को अपना वह स्थान नहीं मिल पा रहा था जो पहले था। किस भाषा में उसे रख रहे हैं टैगोर। मैं इस हिस्से को फिर से पढ़ता हूं। इसलिए संगीत में रुचि, अधिकार और अनुभव के न होने को अशिक्षा का द्योतक मानकर शर्मिंदगी महसूस करने की वजह उन दिनों के शिक्षित लोगों की मंडली के मन में पैदा नहीं हुई थी, बल्कि उन दिनों जिन युवाओं ने हितैषियों के डर से दबे गले से गीत गाए, उनके चरित्रों पर संदेह किया गया। दूसरी ओर उस समय में कई अच्छे कार्यों की भी शुरुआत हुई, इसे हमें स्वीकार करना ही होगा। उन दिनों हमारी राजनीति बड़ी सावधानी से दोनों किनारों से बचकर इधर उधर देखकर सिर उठा रही थी, भाषणों के मंचों पर अंग्रेजी तालियां बटोर रही थी, अखबारों की शुरुआत होने लगी थी, साहित्य में एक दो लोग प्रशस्त पथ पर अग्रसर हो रहे थे। लेकिन देश में बड़े बड़े प्राचीन सरोवरों को मिट्टी से पाट कर जिस तरह उन पर आजकल खेती हो रही है, ठीक उसी तरह उन दिनों शिक्षित मोहल्लों में संगीत के रस के संचयन लगभग मरणासन हो चले थे। उन पर पाठ पुस्तकों की खेती होने लगी थी। इस तरह की भाषा है और लगता है कि टैगोर कितने दुखी होकर इसको लिख रहे हैं। इसको पढ़ते हुए मित्रों रोए सिहर जाते हैं। जब तक व्यक्ति स्वयं उसमें इतनी गहराई से डूबा हुआ नहीं हो, इस तरह का गद्य लिखना लगभग असंभव है। यह टैगोर की एक बड़ी खासियत है कि वे अपने गद्य में अपने उस लगाव को भली भांति रख पाते हैं।
आगे पढ़ता हूं। जिस युग ने अपनी निरस्ता को शुचिता कहकर सम्मान दिया, वह आज भी अटल रूप से मौजूद है। मैं ऐसा नहीं कहता, बंगालियों की प्रकृति आज फिर से अपने गीतों की महफिलों की तलाश करते फिर रही है। सुरों के उपादानों के संग्रह के लिए सृजन कर रही है। देश के शिक्षा केंद्र इस शुभ मुहूर्त में उन पर अपनी कृपा दृष्टि रखेंगे। मैं पूरे मन से यही कामना करता हूं। दैव योग से मुझे जो सुयोग मिला था, उसकी याद आ रही है। मैं अपने भाग्य विधाता को नमस्कार करता हूं। मैंने जब जन्म लिया था तब हमारे परिवार का आश्रय जनता के दायरे से बाहर था। समाज में हम लोग अस्पृश्य थे। हमारे परिवार में परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लेने की साधना को तब गौरव नहीं मिला करता था। मेरे बड़े भाइयों में से एक दो लोग विश्वविद्यालय के सिंह द्वार को थोड़ा सा पार कर बिना कोई डिग्री अर्जित किए चुपचाप लौट आए थे। उन्होंने वह अच्छा किया था, मैं यह नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि डिग्री लांछित शिक्षा के अलावा शिक्षा का और कोई परिचय ग्राह्य नहीं होगा। यह अंधविश्वास हमारे घर में जगह ही नहीं बना सका। किस तरह से तथ्य को रख रहे हैं टैगोर। फिर से पढ़ता हूं। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि डिग्री लांछित शिक्षा के अलावा शिक्षा का और कोई परिचय ग्राह्य नहीं होगा। यह अंधविश्वास हमारे घर में जगह ही नहीं बना सका। मेरे भाइयों ने दिन रात अपनी भाषा में तत्वावलोचन किया। काव्य रस के आस्वाद और उद्भावना में वे निमग्न थे। इधर चित्रकला भी अंकुरित हो रही थी। इसके अलावा नाट्याभिनय में भी किसी को किसी तरह का संकोच नहीं था। और संगीत वह तो इन सब से आगे निकल गया था। बंगालियों की स्वाभाविक गीत मुग्धता और गीत मुखरता किसी तरह की बाधा न पाकर हमारे घर में मानो उत्स की तरह बिखर गई थी। विष्णु जी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक थे। हमने प्रतिदिन सुबह शाम उत्सव आमोद उपासना मंदिर में उनका गायन सुना है। घर घर में मेरे रिश्तेदार कंधे पर तंबूरा लेकर उनके पास जाकर गीतों की चर्चा करते। मेरे बड़े भाइयों ने तानसेन जैसे गुणी द्वारा रचित गीतों को बांग्ला भाषा में लाने का काम किया। इसमें विस्मय की बात यह है, चीर अभ्यस्त उन समस्त प्राचीन गीतों की निविड़ आबोहवा में बीच रहकर भी उन लोगों ने अपने हिसाब से जिन सब गीतों की रचना की, उनका रूप और उनकी धारा पूरी तरह से स्वतंत्र थी। गीतों के पंडितों के लिए वह अवज्ञा के योग्य ही थी। राग रागनियों की विशुद्धता को नष्ट करके यहां पर वे लोग अस्पृश्यों की श्रेणी में जा पहुंचे थे। कैसे उस बात को जोड़ते हैं जो बात शुरू में टैगोर कह रहे हैं अस्पृश्यता की, वे बात यहां लाकर पुनः जोड़ रहे हैं। राग रागिनियों की विशुद्धता को नष्ट करके यहां पर वे लोग अस्पृश्यों की श्रेणी में जा पहुंचे थे। हमें गायन वादन और नृत्य कला को अक्षुण सम्मान देने की जो दीक्षा मिली थी उसकी एक वानगी पेश कर रहा हूं।
मेरी भतीजियों ने बचपन से ही बड़े जतन से शास्त्रीय गायन सीखा था। उन दिनों यह निंदाजनक भले ही न रहा हो, लेकिन विस्मय का विषय तो था ही। हमारे घर के प्रांगण में सबके समक्ष नाट्य मंच पर जिस दिन उन्होंने गीत गाए, उस दिन सामाजिक हवा भीतर ही भीतर अत्यंत क्षुब्ध हो उठी। हमारे घर के प्रांगण में सबके समक्ष नाट्य मंच पर जिस दिन उन्होंने गीत गाए, उस दिन सामाजिक हवा भीतर ही भीतर अत्यंत क्षुब्ध हो उठी। सौभाग्य की बात यह है कि उन दिनों अखबारों के विषदंत आज की तरह ऐसे उग्र नहीं हुए थे, अन्यथा अपमान बहुत मारक हो उठता। इसके बाद इस तरह के अत्याचार और भी कई बार हुए। इससे भी उच्च सप्तक में किए गए अपमानों से मैं संकुचित नहीं हुआ। इसका कारण केवल कॉलेज की विद्या को नहीं, हर प्रकार की विद्या को सम्मान देने का अभ्यास हमारे परिवार में प्रचलित था। कितनी गहरी बात, दर्द को भी पचा लेने की कैसी ताकत पूरे परिवार में, प्रयोग को साधने की ललक, समाज की निंदा को एक तरफ रख देने का साहस, यह सब कुछ टैगोर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं। पढ़ता हूं। इसके बाद इस तरह के अत्याचार और भी कई बार हुए। इससे भी उच्च और मजे लेने की, देखिए जो एक मजा लेना जो है सामने वालों से, जो अपमान कर रहे हैं उसे किस तरह से, किस ह्यूमर के साथ रख रहे हैं टैगोर। इससे भी उच्च सप्तक में किए गए अपमानों से मैं संकुचित नहीं हुआ। इसका कारण केवल कॉलेज की विद्या को नहीं, हर प्रकार की विद्या को सम्मान देने का अभ्यास हमारे परिवार में प्रचलित था। बस अंतिम कुछ हिस्सा, दो पैरे और फिर यह आलेख समाप्त होता है। यह आलेख कितना आवश्यक था आज पढ़ा जाना आप समझ सकते हैं। टैगोर लिखते हैं, हमारे देश के शिक्षा विभाग कला विद्या के सम्मान को शिक्षित लोगों के मन के लिए स्वाभाविक बना देंगे, यही निवेदन करने के अभिप्राय से मैंने आज यह भूमिका आपके सम्मुख रखी है। हमारे देश के शिक्षा विभाग कला विद्या के सम्मान को शिक्षित लोगों के मन के लिए स्वाभाविक बना देंगे, यही निवेदन करने के अभिप्राय से मैंने आज यह भूमिका आपके सम्मुख रखी है। और मेरे लिए जो जो करणीय है उन्हें नाना असमर्थताओं के बाद भी मेरे अपने विद्यालय में मैंने प्रवर्तित किया है। मनुष्य ने केवल वैज्ञानिक सत्य का आविष्कार नहीं किया, उसने अनिर्वचनीय को भी हासिल किया है। आदिकाल से ही मनुष्य उस प्रकाश को बड़े पैमाने पर दान करता आया है। मनुष्य ने जहां भी पूर्णता का आविर्भाव देखा, शब्दों में, सुरों में, रेखाओं में, वर्ण छंद, मानव संबंधों में, माधुर्य में, वीर्य में, वहीं पर उसने अपने आनंद के साक्ष्य को अमरवाणी के रूप में लिख दिया है। क्या कविता है! टैगोर जैसे अपने लिखकीय अनुभव का पूरा निचोड़ यहां पर रख देते हैं, लिखते हैं, रिपीट कर रहा हूं। मनुष्य ने जहां भी पूर्णता का आविर्भाव देखा, शब्दों में, सुरों में, रेखाओं में, वर्ण छंद, मानव संबंधों में, माधुर्य में, वीर्य में, वहीं पर उसने अपने आनंद के साक्ष्य को अमरवाणी के रूप में लिख दिया है। जो लोग विद्यार्थी हैं, मैं कामना करता हूं वे उस वाणी से वंचित न हों।
केवल उपभोग करने के उद्देश्य से इस संसार में जन्म लेकर मैंने सुंदर को देखा है, महत को पाया है, प्यार के धन को प्यार किया है। कामना करता हूं यह बात मनुष्यों को बताकर जाने का अधिकार और शक्ति दान कर सके। कामना करता हूं यह बात मनुष्यों को बताकर जाने का अधिकार और शक्ति दान कर सके। ऐसी शिक्षा का सुअवसर पाकर देश धन्य हो सके। देश के सुख दुख, आशा आकांक्षा, अमृत अभिषिक्त गीत लोक में अमरता को प्राप्त कर सके। देश के दुख सुख आशा आकांक्षा अमृत अभिषिक्त गीत लोक में अमरता को प्राप्त कर सके। तो मित्रों, यह बेहद सुचिंतित आलेख अभी हम लोगों ने सुना, शिक्षा और संस्कृति में संगीत का स्थान। एक शिक्षाविद, एक संगीतकार, एक गीतकार, एक लेखक, एक विचारक जब यह सब लिखता है और स्वयं का अपना एक सुदीर्घ अनुभव लोग अपने उस प्रयोगशील पारिवारिक वातावरण में रहता हुआ यह सब महसूस करता है, उसको अभिव्यक्त करता है, तो चीजें कितनी महत्वपूर्ण ढंग से सामने आती हैं इसे हम समझ सकते हैं। तो मित्रों, काफी समय हो गया है और अच्छा लगा कि आज हमारे बीच सुलोचना जी और मिता दास जी उपस्थित हो सकी। जी, कुछ कह रही हैं, म्यूट अनम्यूट कर ले सुलोचना जी। जी जी मिता दास जी कुछ कह रही हैं। मैं यही कहूंगी कि बहुत ही अच्छा अनुवाद हुआ जिसका आप पाठ अभी आपने किया, इसके लिए उत्पल बनर्जी को बहुत ढेर सारा साधुवाद। और इसके चुनाव के लिए भी इस निबंध, ये बहुत ऐसा नहीं है कि ये निबंध आपको जहां कहीं मिल जाए, उन्होंने ये सुचिंतित चुनाव था उनका और अनुवाद तो उनका हमेशा की तरह बहुत अच्छा रहा, और आपने इसका पाठ किया और ये बहुत ही कायदे की चीज है जिसका बार बार पाठ हुआ जाना चाहिए। रविन्द्रनाथ के बारे में लोग अक्सर बात करते हुए सुने आप पाएंगे कि लोग कहते हैं बंगाली लोग रविन्द्रनाथ से आगे नहीं बढ़े। रविन्द्रनाथ के बारे में के विरोध में अगर आलेख लिखना हो तो शायद 100 से ज्यादा पन्ने लिखे जा सकते हैं, पर रविन्द्रनाथ के बराबर एक दूसरा रविन्द्रनाथ तो रखिए पहले। उनका कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत था और ये जो आज मीता जी ने मृणाल का पत्र होगा जो जिसका अनुवाद इन्होंने आज से 100 बरस पहले, जहाँ स्त्रियां तो गाय की तरह थी, गाय बकरी की तरह जिनका वजूद माना जाता था, वहां पे एक स्त्री को इतना अमीराबाई से प्रेरित होकर उन्होंने उस स्त्री को लगा कि मेरा अपना एक वजूद है और वह उसे छोड़ के अपना भरा पूरा संसार जहाँ पे सुख सुविधा सब था उसने सुविधा के ऊपर अपने होने को चुना। ये स्थापित करना, लिखना भी उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी, तो ऐसी दृष्टि थी उनके पास उस जमाने में। यह बात उनको अपनी पीढ़ी के बाकी सभी लेखकों से बहुत आगे, संस्कृति कर्मियों से बहुत आगे रखते थे। आज की डेट में भी उनके बराबर किसी को रख पाना बहुत मुश्किल है। किसी भी भाषा के किसी भी देश का साहित्यकार या मतलब दूरदृष्टि रखने वाला जो हमारे लिए छोड़ गया है, दूसरा कोई नहीं, मुझे नहीं दिखता। इतनी सारी चीजें उनमें समाहित थी और जिसका जितना भी हम अध्ययन करें या उस पर रिसर्च करें, हमें हर बार हर कुछ नया ही नया मिलता चला जाता है। और इतना विस्तृत है उनका लेखन, उनका काम, कि हम उसे पूरा अपने जीवन में पढ़ ही नहीं पाएंगे। इतने गीत हैं, इतनी कविताएं हैं जिनमें तो मात्र 3000 की 6000 गीत ही बने हैं, मतलब जिसको संगीतबद्ध किया गया, जो सुने जा सकते हैं, जो अपने मन से वो गुनगुनाते थे वो तो कभी स्वरबद्ध हुए भी नहीं, क्योंकि वो चलते फिरते एक उसको आशु कवि कह लीजिए, उनको आप गीतकार कह लीजिए,
कहीं से भी कोई भी धुन, किसी चीज की, झिंगुर की बोलने की आवाज भी अगर उनको सुनाई देती थी, उसमें भी वो संगीत और गीत और कहानी को जोड़ लेते थे, उसमें वो रच देते थे। उनकी कई कहानियां, कई गीत और कई कविताएं आपको एक दूसरे में गुथी हुई भी मिलेंगी। एक ही नाम से उन्होंने कविता भी लिखा, गीत भी लिखा है, और जैसे भक्ति रस में भी लिखा है तो उसको प्रेम रस में भी लिखा है। ऐसी चीज कि उनकी, उनका अगर कोई गीत सुनिए तो आपको, आप जिस मूड में होंगे, अगर भक्ति में मूड में होंगे तो आपको भक्ति लगेगी, और लेकिन आप प्रेम के मूड में होंगे तो प्रेम लगेगा, और अगर प्रकृति के बीच बैठ के उस गीत को सुनेंगे तो प्रकृति आपके सामने पूरी तरह से अवतरित हो जाएगी। ये खासियत सिर्फ रविंद्रनाथ को ही रविंद्रनाथ बनाता है, और अगर हम रविंद्र प्रेमी हैं तो हमें उसके लिए बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हम रविंद्र को कुछ तो जानते हैं। पूरा जानना आसान नहीं, हम कुछ तो जानते हैं। अर्पण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सुलोचना ने जो कविताएं पढ़ी, जो अनुवाद किया उसने, वो भी उसका बहुत बड़ा काम है, और इतनी लंबी कविता का अनुवाद करना इतना आसान नहीं होता, इस बात में सुलोचना बहुत दक्ष है। उसके लिए मैं बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दूंगी, और भी रविन्द्रनाथ टैगोर को हमारे सामने हिंदी में लाए, क्योंकि एक ही जीवन में पूरे रविन्द्रनाथ को कुछ कर पाना किसी के लिए आसान नहीं है। हम थोड़ा थोड़ा करके ही हिंदी में रविन्द्रनाथ को लाए, ये मैं सुलोचना से आग्रह करूंगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मिता जी, शुक्रिया अर्पण जी, आप दोनों का धन्यवाद, उत्पल बनर्जी जी का आभार, और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी लोग जुड़ पाए, यह कार्यक्रम संभव हुआ, शुक्रिया। और रविंद्र जयंती पर हमारी ओर से यही एक छोटी सी कोशिश रही कि उनकी इन तीन विधाओं पर कुछ कुछ वानगी हम रख सके, आप लोगों की अभी प्रतिक्रिया। वैसे पूरा माह रविंद्रमय हुआ रहता है, अगर कभी और आपको लगे कि हम रविंद्र जयंती पर कुछ बात करें, या गीतों के माध्यम से, या उनके नाट्य शैली के माध्यम से आप आलेख भी जुगाड़ कर सकते हैं, या किसी ने किया होगा उसको भी कर सकते हैं। रविंद्रमय तो पूरा ये माह, पूरा बैसाख ही रविंद्रमय। बिल्कुल, हमारी ओर से कोशिश रहेगी मीता जी। सभी मित्रों का पुनः अभिनंदन, फिर मिलेंगे, शुभ रात्रि, और रविंद्र जयंती पर ऐसे कार्यक्रम होते रहें, ये तो बहाने हैं। हम लोग उनकी इस एक बेहद समृद्ध दुनिया में जितना अधिक गोते लगाएंगे, हम बार बार समृद्ध होंगे, बार बार कुछ नवीन होकर लौटेंगे, अच्छा लगेगा। अभिनंदन, शुभ रात्रि, शुक्रिया सभी का, सभी दर्शकों का शुक्रिया।